गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ़दर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कायनात में सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया में हर इंसान के पास नहीं होती। और ऐसा ही है, हमारे पास एहसास शायद ख़त्म हो गया है या है ही नहीं। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिनमें एहसास रह गया है। अगर आज के शो की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से इसे आलमी वबा करार दे दिया गया है। और आप देख रहे हैं तमाम लोग पैनिक नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया में, कभी कौन सी अपडेट्स आ रही हैं, कभी क्या अपडेट्स आ रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही कोरोना वायरस आखिर है क्या है, किस तरह से बचा जा सकता है, इसमें कितने परसेंट चांसेस है डेथ के। क्योंकि आपको आजकल ये लग रहा है, इवन के एजुकेटेड लोगों को भी ये लग रहा है कि शायद अल्लाह ना करे किसी को कोरोना वायरस ऐसे लग रहा है और इधर ही उसकी डेथ हो जाएगी। आखिर कोरोना वायरस है क्या, कैसे बचा जा सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है, क्या इसके जो पेशेंट है जिन्हें वायरस ये हो चुका है वो रिकवर करते हैं या कर चुके हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में इसकी शरह कैसे ज़्यादा हो रही है या कम है, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जी सोशल वर्कर किस तरह से काम करते हैं, मशले रा एक फाउंडेशन है, वो किस तरह से अपने बच्चों को लेके आगे आती है, उनके कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्टिंग के बारे में, एक ज़बरदस्त एक्टर कितना अच्छा बॉडी बिल्डर हो सकता है, और इसके अलावा क्या क्या काम करते हैं हमारे एक्टर, किस तरह से मेंटेन करते हैं खुद को, किस तरह से एक्टिंग में अपना नाम पैदा करते हैं, कितनी मेहनत करनी होती है, कितना टाइम देना होता है एक्टिंग को, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अपने शो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का जी, डॉक्टर ताहिर महमूद है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक। सर बड़ा अच्छा लगा आपको अपने शो में देख के, और आपकी ये खूबसूरत सी स्माइल जो हमेशा आपके चेहरे पे रहती है, इसकी वजह से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है पूरे शो में। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और जी इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं, मैं वेलकम करना चाहूँगी अज़रा अहमद का। वेलकम टू द शो मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है जी। मैम आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा है जी आपको अपने शो में देख के, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। और जी इनके साथ हमारे बड़े यंग से एक्टर हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, मैं वेलकम करना चाहूंगी मोहम्मद इमरान हाशमी का। वेलकम टू द शो इमरान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मैंने बात की एहसास की, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी गुफ्तगू यहाँ से, एहसास बहुत कम है या रह नहीं गया या भी है कुछ लोगों में बाकी है? असल में माशरा जो है वो डिटीरियोरेट तो एज ए होल ही कर रहे हैं जी, ठीक है ना, लेकिन स्टिल बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि जिनमें एहसास नाम की बहुत ज्यादा चीज है, और बेशुमार ऐसे भी होंगे जिनमें एहसास नाम की चीज ही नहीं है, जिन्हें शायद एहसास की डेफिनेशन भी नहीं पता जी। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो मेरे ख्याल ये दुनिया कायम इसलिए है कि इसमें चंद अच्छे लोग अब भी बाकी हैं, जब वो नहीं रहेंगे तो शायद ये दुनिया ही बाकी ना रहे। ठीक हो गया मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, एहसास है अपने इर्द गिर्द के लोगों में, कम्युनिटी में अपनी देखा है? हर जगह हर तरह के लोग होते हैं जी, ना सारे अच्छे होते हैं ना सारे बुरे होते हैं। लेकिन एहसास वाकई खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा बहुत कम रह गया है। अगर मेरा ख्याल है 1-2% शायद कोई रह गया हो, लेकिन अब हम जो है ना सिर्फ अपना सोचते हैं, हमें क्या चाहिए, बस अपनी जात तक हम महदूद हो गए। ऐसे जो भी अगर हम काम भी करें तो उसमें ये देख रहे हैं कि हमें क्या बेनिफिट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो फायदे और नुकसान में और हर चीज में हम ना, मेरा ख्याल है कि बिजनेस या कमर्शियल इन चीजों की तरफ चले गए। अगर हम किसी के लिए कुछ कर भी रहे होते हैं तो उसके बाद अगर किसी के लिए कुछ अच्छा, माजरत के साथ मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप किसी के लिए कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं, उसमें भी आप फॉरेन से पिक्चर्स लेके अपलोड कर देते हैं, अपने स्टेटस लगा देते हैं, दूसरों को शो ऑफ करते हैं, किसी हद तक लोग हेल्प भी कर रहे हैं और किसी हद तक अपनी प्रमोशन भी की जा रही है। आजकल जो है ना ये जरूरी इसलिए हो गया है कि वही आपने कहा कि एहसास खत्म हो गया, तो वो एहसास को बेदार करने के लिए लोगों को कुछ इस तरह की चीजें दिखानी भी पड़ती हैं जी। तो क्योंकि पहले तो यही कहा जाता है कि भी नेकी कर और दरिया में डाल जी, या आप किसी की मदद करें तो स्टेटस पे डाल। लेकिन अब जो है ना ये कुछ एक ट्रेंड चल गया है कि अगर आप ना बताएंगे जरूरी हो गया है,
کہ لوگوں کو دکھانا ہے اگر کوئی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اس کا بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کو فنڈس بھی چاہیے, لوگ اس کا کام دیکھیں گے تو اس کو فنڈس کریں گے, اس کو ہیلپ کریں گے نا. اگر ایک انڈیویجول جیسے میں ہوں, اگر میں کچھ ہیلپ کر رہی ہوں کسی کی, تو ہم نے بہت زیادہ چیزیں شو آف کی حد تک رکھ دی ہے. اور اس میں ایک نقصان یہ ہوا ہے نا کہ جو بھی این جی اوز یا فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں وہ اس طرف بھی چلی گئی ہیں کہ شاید یہ لوگ تو پیسہ بنانے کے لیے یا ان کو نہیں دیتے بالکل اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. ہاں جی, تو پھر وہ دکھانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور تو مطلب اگر لے رہے ہیں تو دے رہے ہیں. ہاں بالکل, لگا بھی رہے ہیں تو اس لیے وہ ضروری ایک چیز یہ بھی ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہم لوگ جو کرتے ہیں تو ہم تو پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ مائنڈ نہیں کرتے تو پھر ہم لگائیں. اگر آپ نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ کی تو مرضی ہے نا, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کی فاؤنڈیشن میں آتے ہیلپ کرتے ہیں تو آپ اپنی پروموشن کی دیکھیں لوگ آ رہے ہیں ہیلپ کر رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں انڈیویجول کی, وہاں سے آپ کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ جی میں نے یہ اگر چائے کا کپ میم کو دینا ہے تو جب تک میری تصویر نہیں بنے گی یہ میں کپ نہیں دوں گی, نہیں دوں گی. یہ ایک چیز ہے اور یہ بہت زیادہ ہے, سوشل میڈیا نے زیادہ اس کو مطلب فیس بک وغیرہ پہ لوگوں نے ایک اسٹیٹس کا یہ ایک جو چلا ہے جنون کہہ لیں, شاید اس وجہ سے بھی احساس کم ہو گیا نا, آپ کی فیلنگز کم ہو گئی, آپ کے دل میں پیورٹی نہیں رہی, آپ دور لوگوں سے تو قریب ہو گئے ہیں اور جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ اس سے بات نہیں کرتے, اسے پوچھتے نہیں ہیں, اور فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ جا کے پوری دنیا کے ساتھ. ویسے میں ایک چیز بتاؤں کہ اگر آپ صحیح نیت سے آپ کر رہے ہیں نا, کر رہے ہیں تو آپ چاہے اسے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں, آپ کی نیت اگر ٹھیک ہے, نیت اگر ٹھیک ہے, آپ اگر اس کو سی ڈی بنا رہے ہیں, مسئلہ آپ کا کچھ اور ہے اچیو کرنا, آپ اس کو سی ڈی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, پھر آپ کا نا آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. سچ جو ہے نا یہ ہمیشہ سامنے آ کے رہتا ہے. اچھا سر, اس میں یہ بھی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ نیت آپ کی صاف ہے اور آپ کام کر رہے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں آپ کا نام بن جائے گا بالکل. ایسے ہی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, ہمارے سامنے اے جی وغیرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے, تو اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں کوئی ذاتی پروجیکشن کی ضرورت نہیں تھی, انہیں خود بخود ہی پروجیکشن اپنا کام بولتے ہیں. کام بولتے ہیں, ٹرو, زبردست. یہ دو ہمیں جی پوائنٹس ملے, دونوں ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ سچ ہے. عمران آپ کیا کہنا چاہیں گے, ایسا ہے یوتھ کیا کہتی ہے, یوتھ میں احساس ہے یا تمام لوگوں میں احساس ختم ہو گیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے جن لوگوں کو میں نے فیس کیا ہے, کچھ لوگوں میں لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے, منافقت پرستی بھی ہوتی ہے, تو جو منافقت پرستی ہوتی ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قوم ہے, ٹھیک ہے, ہمیں یعنی کہ ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. یہاں پہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی فیلڈ اپ لے لیں کہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں, وہ لیگ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا عمران, اس فیلڈ میں نہیں ہے, تمام فیلڈز میں ہے, ایون کہ آپ ڈاکٹرز میں بھی دیکھیں گے نا, کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ایک آدھ نظر آ ہی جائے گا. جی, اگر ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے نہیں ہوتی. جی, اگر ایک پرسن ہوز ورکنگ گڈ فار ہز آن پروجیکٹ, تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے یا آپ میں ابھی بھی بہت زیادہ کمی ہے. تو ڈیفینیٹلی بات ہے, کمی ہر انسان میں ہوتی ہے, لیکن کچھ تو ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اچھا, میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے, حالانکہ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن اپنی زندگی کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان میں سے آپ کو وقتی طور پہ دوسروں پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے لیے یہ سب کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اس کے بعد جب آپ گھر جاتے ہو یا آپ سکون سے بیٹھتے ہو نا, بڑے مطمئن ہوتے ہو کہ ایٹ لیسٹ میری وجہ سے تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی نا, میری وجہ سے تو پرابلم نہیں کریٹ ہوئی نا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینج آتے ہیں. سر ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی بالکل. سر ڈاکٹرز میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے لیگ پولنگ پیچھے کر دینا, کیونکہ عمران نے ذکر کیا تو میں نے کہا لنک کر دوں ذرا آپ کے ساتھ بھی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ جب پورا معاشرہ ایز اے ہول ہی جب وہ اچھا ہوتا ہے تو سارا معاشرہ ہی جاتا ہے, چاہے وکیل ہوں, ڈاکٹر ہوں, جو بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی نہیں, جو زیادہ پڑھے لکھے بھی جو میں نے دیکھا ہے ان میں بھی نیگیٹو چیزیں ہیں بہت زیادہ. اچھا, ہم نے ہماری جو آرگنائزیشن اکیڈمی آف فیملی فزیشن, ہم نے ایک چیز کی, ہم نے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس, ڈاکٹرز میں یہ بہت زیادہ تھا مسئلہ کہ کسی کا پیشنٹ دوسرے کے پاس آنا تو اس کو تمہارا تو اس نے بیڑا گرک کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اچھا, اس سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پیشنٹ ہمارا بن جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے ممبرز کو کہا کہ کسی کے خلاف نیگیٹو چیز آپ نے نہیں کرنی, ٹھیک ہے. آپ یہ کہو کہ ان ڈاکٹر صاحب نے اپنے نالج کے مطابق آپ کا علاج کیا, اب آگے میں کرتا ہوں شروع, شفا دینے والی ذات وہ اوپر بیٹھی ہے, میرے پاس شفا نہیں ہے, میں دونوں پیشنٹ سیم ڈیزیز سیم ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, ایک ٹھیک ہو جاتا ہے ایک نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب شفا اگر اس دعا میں ہوتی تو دونوں ٹھیک ہوتے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کبھی بھی, اور یہ کوئی ڈاکٹر مت سوچے کہ میرے سارے پیشنٹ ٹھیک ہو جائیں گے,
ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है मुमकिन, ठीक है जी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन द लॉन्ग रन जब आप रात को घर पहुंचते हैं एट द एंड ऑफ द डे, आपने अगर किसी के साथ बुरा किया होगा ना तो वो भी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आपने अच्छा किया है, पॉजिटिव रहे हैं, तो फिर आप इत्मीनान की नींद सोएंगे। सर मैंने वो ही जिक्र किया कि आपके साथ कोई बुरा करे या आपसे आप सबर कर जाए ना कहीं आप दिन में एक वक्त चाहे दो सेकंड ही क्यों ना हो, आप ना बड़ा पीसफुल फील करते हैं। आप जिंदगी में पीसफुल फील करते हैं, दिन में भी पीसफुल फील करते हैं। मैम आपके बैतुल माल की बात करेंगे, वहाँ की आप मेंबर भी हैं, मैम किस तरह से काम कर रही हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? देखिए पाकिस्तान में गुर्बत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गुर्बत से ज्यादा जो है ना कि वो सफेद पोश जो है वो तो बताते नहीं जी, बिल्कुल। और जो दूसरे लोग हैं जो मांगने की जिनको आदत हो गई है वो बाहर नजर आ रहे होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि अगर एप्लीकेशन वो लोग जो दे रहे हैं उनको हमने जाके देखना है कि सही लोग हैं गलत लोग हैं। एप्लीकेशन किस तरह की आ रही है, शादी ब्याह के लिए आ रही है, जहेज के लिए, जहेज पैकेज, कोई जैसे मंथली बेवा है या तलाक याफ्ता है जी। तो आप शायद आपको यकीन ना आए कि जो बेवा नहीं होती वो भी जाके बेवा बन के दे देते, अल्लाह माफ करे, मतलब एप्लीकेशन दे देते हैं। इस तरह की चीजें बहुत रही हैं, केसेस आए आपके सामने ऐसे? बिल्कुल, बेनजीर, अभी आपने देखा होगा बेनजीर इनकम सपोर्ट, वो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कौन लोग ले रहे हैं। वो जजेस की फैमिलीज ले रही हैं, अरे वो डॉक्टर्स ले रहे हैं, मतलब वो लोग ले रहे हैं जो कहीं उस अब अंदाजा लगाया कि आईडी कार्ड जिनके इस्तेमाल किए गए हैं उनको तो मिल ही नहीं रहा, वो तो अपने घर में अपने लोगों को ही बांट दिया गया। तो ये जो अब हम लोगों ने चूंकि जिम्मेदारी उठाई है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमने उनको जाके देखना है कि वाकई ये इस कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं जी, वो हमने उनको जाके चेक करना। तो ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बन गई है। डिफरेंट एरियाज में जो डिफरेंट एरियाज में जो भी एप्लीकेशंस ऑफिस में आती हैं तो फिर वो हमें मेंबर्स को जो है ना उनको बताया जाता है कि ये आप जाके इस इलाके में देखें, उसको इन्वेस्टिगेट करें पहले, सारे तफ्तीश करें। बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखें हमारे पास भी बजट इतना नहीं है, अगर ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, अगर बाकी जो लो कैटेगरी में आते हैं जो बाकी जरूरतमंद हैं उनमें से भी हमें देखना पड़ता है जो बहुत ज्यादा कौन सबसे कम वाले कौन है, उनमें भी एक आप लोग करते हैं कंपैरिजन करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी यही है कि हम उन मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है मैम, मतलब शादियां भी करवाई जा रही है उसमें जहेज दिया जा रहा है, उसमें आपका जो है ना छोटा सा स्मॉल पैकेज जैसे बिजनेस का कोई हम स्टार्ट करवा देते हैं जी, किसी को सिलाई मशीन दे दी, इस तरह की ताकि वो मांगने की तरफ ना आए, स्किल्स की तरफ आ जाए, सीख लें कुछ ना कुछ। जबरदस्त मैम, बड़ा जबरदस्त काम करें, लेकिन मेरा ख्याल है मांगने की जहाँ पे आप बात की है वहाँ पे अगर स्किल्स सिखा दिए जाएंगे ना सर, वो एक है ना कि जी फिश पकड़ के ना दे, फिश पकड़ना सिखा दी जाए तो मेरा ख्याल है वो आसानी हो जाएगी अगले के लिए भी और आप लोगों को भी दुआ मिलती रहेगी इसी बहाने से। सर कोरोना वायरस की हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग पैनिक हो गए, जहां से स्टार्ट हुआ मेरा ख्याल में वो इतने पैनिक नहीं हुए जितने पाकिस्तानी हो चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक अजीब क्रिएट कर दिया है एक कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो सर बताइए कोरोना वायरस स्टार्ट कहां से हुआ, ये है क्या वायरस, बेसिकली है क्या? जो जरासीम है इनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं जी, बैक्टीरिया है, फंगल है, उसके अलावा फिर वायरसेस हैं। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा जो वायरसेस हैं ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, सबसे माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं, अदरवाइज नहीं जी। ये जो कोरोना वायरस है ये आज का नहीं है ठीक है, कोरोना एक फैमिली है, इन जितने ये वायरस कोरोना फैमिली में आते हैं इनका नाम इसलिए पड़ा कि इटली में क्राउन को कोरोना कहते हैं, जो ताज है ना उसको कोरोना कहते हैं, तो वो कोरोना वायरस वहां से हो गया। सबसे पहले 1960 में कनाडा में पहला केस हुआ, 1960 में ठीक है, 1960 की बात है, तो ये आज से काफी पुराना ये वायरस है जी। लेकिन इसकी दो वबाएं ऐसी दुनिया में आई जिसकी वजह से ये कोरोना बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। अच्छा ठीक है, एक 2003 में चाइना में आया ठीक है, उसको सार्स कहते थे, सार्स बड़ा मशहूर हुआ। ये एक ही फैमिली से है, ये फैमिली है, आगे इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं ठीक है, जैसे फ्लू है ना, हाँ तो फ्लू का एक वायरस नहीं होता, उसके आगे डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं ठीक है। अच्छा इसी तरह डेंगू के 4-5 स्ट्रेन्स है ठीक है ना, तो इसलिए कोरोना एक वायरस एक फैमिली है, उसके आगे फिर किस्में हैं बेशमार ठीक है। अच्छा तो वो जब ये
اس وقت 2003 میں کچھ اموات ہوئیں 4-5 ہزار کے قریب. اس کے بعد یہ مرس کے نام سے مڈل ایسٹ میں, مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم مرس, تو یہ زیادہ تر مکہ سے شروع ہوا اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں پھیل گیا. جی اس میں بھی 5-6 ہزار کے قریب اموات ہوئیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو اس دفعہ ہوا ہے, یہ ووہان ایک سٹی ہے, یہ لاہور جتنا بڑا شہر ہے چائنا کا. ٹھیک ہے. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ نیمونیا کے کچھ کیس آ رہے ہیں, لیکن یہ کوئی وہ جو پہلے ہم دیکھتے تھے نیمونیا کے, یہ ان کیسز سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو وہاں کی ایک جو مارکیٹ ہے جہاں پہ یہ ڈفرینٹ اینیملز بکتے تھے کھانے پینے کے لیے, جی بالکل. ٹھیک ہے جی. اچھا وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں زیادہ تر ان میں یہ پایا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اس کی یہ پہلے تو اینیمل سے ہیومن میں ٹرانسفر ہوا, اب یہ ہیومن ٹو ہیومن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک بندے کو لگا تو دوسرے کو. اچھا وہاں پہ یہ اتنا تیزی سے پھیلا جی کہ اس نے, اچھا چائنا نے, ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلیوٹ کرنا چاہیے اس قوم کو کہ وہاں پہ اتنا زیادہ یہ پھیلا, لیکن انہوں نے کارڈن آف کر دیا اس سٹی کو, کسی کو باہر نہیں جانے دیا, کسی کو وہاں پہ آنے نہیں دیا. ایک دم سے چند دنوں میں انہوں نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل وہاں پہ کریٹ کر لیا, وہاں پہ لوگوں کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کرتا کیا ہے, یہ ایک چھوٹا سا باریک سا پارٹیکل ہے, جراثیم ہے, جو کہ جب کسی یہ بیسیکلی ریسپریٹری ٹریکٹ کا یعنی جو سانس لینے کا ہمارا اپریٹس ہے اس میں جا کے یہ انٹر ہوتا ہے اور ریسپریٹری سمٹم ہی یہ کرتا ہے, یعنی سانس کی اس میں کیا ہوتا ہے, فیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کا ڈرائی کف ہوتی ہے اور اس کے بعد سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ جا کے پھیپھڑوں میں نمونیا کاز کرتا ہے. اچھا اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آج کسی کو کرونا وائرس انٹر ہوا تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, ایسا قطن نہیں ہے. ایسا کہا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پینک ہیں ہم لوگ. ایگزیکٹلی ایسے ہی لوگ پینک, اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ خوف پھیلا دیا گیا. 98% بہت بڑی ایک تعداد ہے, 98% ریکور کرتے ہیں. ریکور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ریکور بھی اس طرح سے کہ زیادہ تر جو ینگ لوگ ہیں اگر ان کو ہوا بھی انہیں مائلڈ سے سمٹم ہوں گے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے انہیں پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے. اور وہ ریکور کر جائیں. 10-15% ایسے ہوتے ہیں جنہیں تھوڑے سے سیویئر سمٹم ہوتے ہیں انہیں, اور 2-3% ایسے ہیں جنہیں بہت ہی شدید قسم کا جنہیں انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہاسپٹل میں داخل. اچھا اب اس میں 2-3 چیزیں جو سمجھنے والی ہیں پبلک کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پھیلتا اس طرح سے ہے کہ جس کو ہوا ہوا ہے کرونا وائرس, اور وہ کون سے پیشنٹ ہے ہمارے ملک میں پرٹیکولرلی, جو یا چائنا سے, زیادہ تر اس میں 90% وہ لوگ ہیں جو ایران سے زائرین آئے. ٹھیک ہے. چونکہ ایران میں بہت زیادہ پھیل چکا تھا, انہیں شروع میں یا پتہ نہیں لگا یا انہوں نے چھپایا, تو اس لیے ہمیں بھی نہیں پتہ چلا. تو جب بہت زیادہ پھیلا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ جو کیس انہوں نے جو ہمارا بارڈر سیکیورٹی والے ان سے نام لیے, ان کے ایڈریس لیے اور انہیں ٹریس کیا. ہاں جی. اچھا پھر ان کے جب ٹیسٹ کیے تو ان میں سے بے شمار لوگ پازیٹو آئے. پازیٹو آئے. اب دیکھیں سندھ میں تقریباً 130 کے قریب سندھ میں, آگے 25 کے قریب کے پی کے میں, 10 جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں, ایک لاہور میں بھی آ گیا, اور جو لاہور میں آئے وہ انگلینڈ سے پیشنٹ آئے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے انہوں نے ایکوائر کیا. اچھا اب جو احتیاط کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک میں تھوڑا سا ماسک کے بارے میں بھی کہوں گا, چونکہ ماسک ہمارے ملک میں جو چیز کسی نے کہا کہ جی پیاز سے اس کا علاج ہوتا ہے تو دوسرے نے معافی مانگی کہ یار پیاز مہنگا ہو جائے گا یہ نہ کرو, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگوں نے کہا جی اس کے بچاؤ کا علاج ماسک ہے. جی یہ سمجھنا چاہیے کہ عام نارمل بندے کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ماسک کی ضرورت کس کو ہے؟ نمبر ون پیشنٹ کو, تاکہ اس سے دوسروں کو نہ لگے. ٹھیک ہے. مثلاً ایک پیشنٹ ہے اس کمرے میں, 90 لوگ دوسرے ہیں, 90 لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے, پیشنٹ نے نہیں پہنا ہوا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ وہ 90 ماسک آپ کے بیکار گئے, چونکہ وہ کھانسے گا, ٹیبل پہ یہ وائرس چلا جائے گا, ہینڈلز کو مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بھی ہاتھ لگائے گا اس کو یا اس سے کوئی ملے گا تو اس سے وائرس. اگر ایک بندے کو پہنا دیا جائے تو زیادہ بھی, تو وہ 90 کو نہ پہنایا جائے تو وہ نہیں پھیلے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ڈسٹینس تقریباً 3 فٹ تک
اگر وہ کھانستا ہے یا چھینک مارتا ہے تو 3 فٹ کے ریڈیس کے اندر اندر یہ پایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے اگر آپ دور رہتے ہیں تو پھر آپ کو لگنے کے چانسز بہت منیمم ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ آپ دن میں بار بار ہاتھ دھوئیں. وہ کیوں دھونے ہیں؟ کہ آپ باہر جاتے ہو, کسی ہینڈل کو, کسی دروازے کو, کسی ٹیلی فون کو, کسی بھی اکوپمنٹ کو آپ ہاتھ لگاتے ہو, اس کو کئی لوگوں نے ہاتھ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس لیے نہیں پتا کہ اس کے جو شروع کے 5 دن ہیں جی, بس آج کسی کے خدا نہ سے انٹر ہوا ہے نا, تو شروع کے 5 دن آپ کو کوئی سمپٹم نہیں ہوگا. اچھا, لیکن آپ پھیلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کہ میرے اندر داخل ہو گیا اور آپ کی وجہ سے پھیل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے, تو جس کو تو بخار کھانسی ہوگی, چلو وہ تو اپنا کوئی کرائے گا ٹیسٹ وغیرہ یا کچھ کرائے گا, لیکن جب اس کو کوئی سمپٹم ہی نہیں ہے تو وہ تو نہیں سمجھے گا مجھے, لیکن وہ پھیل رہا ہے. لہٰذا ہمیں پبلک پلیس پہ جب بھی جائیں اس کے بعد ہم ہاتھ دھو لیں. اچھا, ہمیں بینگ اے مسلم, ہمیں ایک تو ویسے ہی حج حاصل ہے کہ ہم نے 5 دفعہ تو لازمی دھونا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جتنے جب بھی پبلک پلیس پہ جائیں تو اپنا ہاتھ, یا کم از کم مجھے خوشی ہوئی کہ میں جب انٹر ہوا انہوں نے مجھے ہینڈ سینیٹائزر دیا. اچھا, تو وہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ اپنے عملے کو بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ اوور کراؤڈنگ نہ ہو, جیسے گورنمنٹ نے پابندی لگا دی شادیوں پہ, باقی ساری میٹنگز پہ, ساری چیزوں پہ. اچھا, اس لیے اور دفعہ 144 لگا گئی کہ 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ چونکہ ابھی اس کا خاطر خواہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جو 2%, اچھا 2% میں کون لوگ آتے ہیں؟ جن کی ایج زیادہ ہے, جنہیں شوگر کا مرض ہے, جنہیں خدا نخواستہ کینسر کا مرض ہے, جنہیں بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, یا جنہیں باقی وہ بیماریاں جو امیونٹی کو لو کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں میں اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ ان کو. ینگ لوگوں کو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ کچھ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہوا ہے اور ختم ہو گیا, ریکور ہو گیا. بالکل بالکل, لیکن پھر بھی سر جب آپ باہر جائیں تو ماسک پہن لیجیے. ہاں جو ہاں پیشنٹ کے لیے, پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل, اگر نارمل کف ہو رہی ہے یا فلو ہے پھر بھی پہن لیجئے, کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا ہے اس کے بھی جرمز ہیں. وہی نا, جو پیشنٹ ہے نا جی, چاہے اس کو کرونا ہے یا عام کوئی نزلہ کھانسی بخار ہے, وہ اگر پہن لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر, ٹھیک ہے نا. لیکن عام جو پبلک ہر بندہ ماسک کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اچھا, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈ واش کریں, لوگ ہاتھ دھونے کی طرف نہیں آ رہے, ماسک خریدنے کی طرف آ رہے, اس پہ کوٹیشنز لکھ رہے, اس پہ باتیں کیے جا رہے ہیں. بھئی ہاتھ دھو لیں, 5 وقت وضو کیجئے, سب سے اہم چیز جو آپ نے بتائی. اچھا سر, آپ نے ذکر کیا اٹلی میں, سر یہ اس بار اٹلی سے سٹارٹ نہیں ہوا, چائنا سے ہوا ہے رائٹ, لیکن اٹلی میں بھی بہت زیادہ کیسز دیکھنے میں. اٹلی میں اب جتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں نا وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں اٹلی میں. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے کہ ان کو کور نہیں کر پا رہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے؟ حالانکہ چائنا جہاں سے سٹارٹ ہوا انہوں نے بہت حد تک کور کر لیا. اصل میں انہیں شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلا, کسی کو بھی نہیں پتہ, جیسے ایران کو بھی نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے جی, جب بہت زیادہ اور وہ جو جن کو تھا وہ ملتے رہے سب سے. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپ میں جو ایوریج ایج ہے وہ بہت زیادہ ہے جی, وہاں پہ آپ کو اکثر لوگ 90-100 کے ملیں گے. ہمارے یہاں ایج ذرا کم ہے چونکہ ہمارا اتنا نہیں ہے صحت کا نظام, تو ان کے یہاں بہت بہتر تھا, تو اس لیے ان کے جو بوڑھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس لیے انہیں نا, اور پھر ہمارے یہاں تو ہم اپنے بزرگوں کو گھر رکھتے ہیں, ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں, وہاں پہ ہر بوڑھا اس نے بےچارے نے خود ہی جانا ہے بازار میں چیزیں لانی سارا کچھ, تو ان کا ایکسپوجر جو تھا وہ بھی تھا, تو اس لیے یہ بہت زیادہ پھیلا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ اس وجہ سے پھیلا. عمران, آپ ڈرے ہو کرونا وائرس سے؟ کیونکہ ہم لوگ بہت ڈر چکے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈرنے والی بات نہیں, احتیاطی تدابیر ان کو اپنائیے. تو آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک شروع ہو چکا ہے, ٹرینڈ شروع ہو گیا جی, کرونا وائرس پہ مذاق بھی بننا شروع ہو گیا اب تو. جی جی, دیکھیں ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈرنا تو اللہ پاک کی ذات سے چاہیے. ٹھیک ہے, میرا تو یہ پکا ایمان ہے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کراؤڈڈ پلیسز میں نہیں جا رہے اور اپنا بھرپور خیال کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا کہ بنانا جو پھل ہے ایک, اس انہوں نے یورپی نے تحقیق کی ہے, بنانا میں کرونا وائرس نہیں آ سکتا, یعنی کہ اس میں کچھ وٹامنس بتائیں کہ اس میں پوٹاشیمس ہیں, فاسٹ ایکٹنگ کاربوہائیڈریٹس ہیں, وٹامن سی بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کا استعمال کریں باقاعدگی سے تو آپ کو کرونا وائرس نہیں لگ سکتا. لیکن میرا ماننا ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کچھ بھی آپ کو یعنی کہ ہونا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کے یعنی کہ ہو جانا ہے. اور
سب سے بڑا مومن کا جو ہتھیار ہے وضو ہے. اگر ہم پنچگانہ نماز ادا کریں تو ہمیں لگ سکتا ہے, لگتا ہے کہ ہم یعنی کرونا وائرس سے بچ جائیں گے. سر یہ جیسے عمران ذکر کر رہے ہیں بنانا پہ تحقیق ہوئی ہے, ایسا کچھ ہے یہ پیاز کے بعد بنانا آ گیا اور اللہ خیر کرے. اب اصل میں بنانا ابھی بڑے مہنگے ہوں پہلے سے. ابھی کوئی دیکھیں ہماری جو آج کل ہے نا میڈیسن, یہ ایویڈینس بیسڈ ہے. ایویڈینس بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ نے تحقیق کی, آپ نے بنانا جو تھے نارمل اور جو پیشنٹ تھے ان کو کھلایا اور ایک نہیں مختلف ملکوں میں کھلایا. اچھا ٹھیک ہے, اگر اس میں وہ پازیٹیو آپ کو رزلٹ آئے تو اٹ مینس کہ اس سے مثلا یہ جتنے پھل ہیں وائٹامن سی ان سے ہے, جیسے انہوں نے پوٹاشیم کا, باقی جتنے بھی نیوٹریئنٹس ہیں وہ اس میں ہیں, وہ امیونٹی کو انہانس ضرور کرتے ہیں لیکن اسپیسیفک وہ کرونا کا علاج نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ بی شور کہ ہمارے یہاں جب ڈینگی آیا لوگوں نے پپیتا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, ٹھیک ہے نا جی, جن کا رس جی اچھا اس کے بعد جی لیمو نچوڑ, حالانکہ یہ الٹ تھا, آپ کا آپ کو میدے کی سوزش ہوئی ہوتی ہے اس میں, اوپر سے آپ کھٹا وہ لیمو نچوڑ کے اور زیادہ گیسٹرائٹس کرتے تھے. مطلب یہ ساری چیزیں ابھی تک یہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی ویکسین نہیں ہے, ویکسین کو ڈیولپ ہونے میں ابھی سال لگے گا, ٹھیک ہے نا. تو ویسے ڈائٹ آپ کو اچھی کرنی چاہیے, اس ڈائٹ میں آپ کو اچھا ایک اور بہت زیادہ لوگوں نے کہا جی آپ گوشت کھانا چھوڑ دیں, آپ انڈے کھانے چھوڑ دیں, قطعاً کوئی اس کے ذریعے نہ یہ پھیلتا. میں نے بھی سنا تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اینیملز کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ اوائڈ کیجئے چکن سے مٹن کوئی بھی کسی بھی فارم میں جو ہمارا میٹ ہوتا ہے. کل میں ایک پڑھ رہا تھا میسج وہ جی چکن آپ کھانا چھوڑ دیں یہ دو مہینے. اچھا اس میں بے شمار ہمارے یہاں وہ عناصر جن کے کوئی پولٹری والوں سے ہوتی ہے وہ اپنا کوئی میسج چھوڑ دیتے ہیں. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے, ہمارا سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ریگولیٹ نہیں ہوتا, جس کی جو مرضی پوسٹ ڈال دے اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی سمجھ, شاید اس میں حقیقت ہو. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی تک کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں اس کا آیا. ٹھیک ہے جی. ہاں ضرور جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنی ڈائٹ کو ہیلدی ڈائٹ لیں, یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یا بازاری چیزیں ہیں اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا سر لاہور والے کیسز کا میں چاہوں گی آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے, کیا واقعی ایک ہی کیس ہے؟ کیونکہ بہت سے صبح مجھے میسج آئے ہوئے تھے کہ لاہور میں 28-27 کیسز سامنے آ چکے ہیں, فلاں ہاسپٹل میں پیشنٹ ہے, ڈاکٹرز نے کتنی ویئر کی ہوئی تھی جو پیشنٹ گیا جنہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں چاہ رہی ہوں یہ جو فیک نیوزز ہیں نا ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیں, کلیئر کر دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں نا جی, ٹیچنگ ہاسپٹل, ٹرشری کیئر, ہاں جی, وہاں پہ یہ یونٹ بنے ہیں. ٹھیک ہے. اور میڈیا ایک ایک بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کوئی مطلب دیکھیں گورنمنٹ اگر چھپانا بھی چاہے, پہلی تو بات یہ ہے اس کے چھپانے سے گورنمنٹ کا کوئی مطلب اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے اس کا کہ انہوں نے خود کرونا پھیلایا ہے, ٹھیک ہے نا. احتیاط کی ضرورت ہے, جتنے کیس ہوں گے اگر گورنمنٹ اس کو بتا رہی ہے, مثلا اگر سندھ میں ہوئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی یا سندھ کی آپس میں لگتی ہے تو وہاں پہ کیس زیادہ ہے. کسی نے کہا جی کہ پنجاب میں زیادہ زائرین آئے ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں ہے. دیکھیں جتنوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں نا, جتنے اس میں پازیٹیو, یہ فارچونیٹلی یہ ہے کہ پنجاب میں کم آئے ہیں, کوئی کیس چھپ نہیں سکتا, یہ بالکل یہ پکی بات ہے. مثلا میو اسپتال میں 20 کیس ہوں اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ایک, تو اخباری نمائندے وہاں پہ روز پھر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیسے چھپ سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں. لہٰذا پنجاب میں ابھی تک لاہور میں ایک ہی کیس ہے اور وہ بھی یو کے سے آیا. ٹھیک ہے نا. ابھی تک جتنے زائرین ان کے ٹیسٹ ہوئے ان میں سے کسی کا. اچھا سر ڈاکٹرز کے بارے میں بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو ٹریٹ کر رہے ہیں ایسے پیشنٹ کو, ان کو کس طرح سے خود کو کیئر کرنی چاہیے, کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیں جی ابھی آج یہ خبر آئی ہے کہ جو پیمز ہاسپٹل اسلام آباد میں, وہاں پہ دو ڈاکٹرز کو یہ انفیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہے کیا کہ جو ہمارے یہاں ابھی تک گورنمنٹ نے, یہاں پہ گورنمنٹ کی تھوڑی سی فیلئر ہے کہ انہوں نے جو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے وہ ڈاکٹرز کو نہیں دیا. ٹھیک ہے. اب سروسز ہاسپٹل کے آپ نے ایم ایس کو اس کو اس سے ریزائن لے لیا کہ یا اس کو ہٹا دیا صرف اس لیے جی کہ آپ نے, اب دیکھیں یہ دینا تو گورنمنٹ کا کام تھا, گورنمنٹ کا کام, ٹھیک ہے نا. اب کئی جگہ پہ ڈاکٹرز اب اگر جیسے دو کیس وہاں پہ ہوئے ہیں تو اب ڈاکٹرز آگے سے سکیئرڈ ہوں گے کہ جب تک ہمیں پروٹیکشن کے لیے آپ نہیں دو گے ہم کیسے ٹریٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری یہاں پہ بنتی ہے کہ وہ جتنے ٹریٹنگ ڈاکٹرز ہیں
उनको और पैरामेडिक्स नर्सिस वगैरह जो इर्द गिर्द हैं जो उनकी टेक केयर कर रहे हैं सब लोग ठीक है। चाइना में 140 के करीब डॉक्टर्स की डेथ हुई, 450 के करीब नर्सिस की डेथ हुई ठीक है ना। तो मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूंगा, हर बंदा डॉक्टर्स के खिलाफ बात करता है, यहाँ पे फ्लाइटें बंद होगी, एयरपोर्ट बंद हो गए, स्कूल कॉलेज शादियां बंद होगी, लेकिन हॉस्पिटल खुले हैं। पुलिस वाले उनकी जॉब्स भी है, कल उनके बारे में भी कहती जाऊं, उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। वो लोग भी अभी बाहर रोड्स पे हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी भी कर रहे हैं अपने प्राइस भी अंजाम दे रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात के मक्का की जो खाना काबा और मक्का जहाँ पे हम मुसलमान जाते थे तवाफ के लिए, वो भी बंद कर दिया गया है। हाँ जी, वो भी कुछ ऐसी वजूहात सामने आई जिनकी वजह से उन्होंने कहा कि वो करना पड़ेगा। देखें जहाँ पे वो फैलने का बहुत बड़ा जरिया ना, वहाँ पे तो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो आप किसके वो स्क्रीन करेंगे, हजारों की तादाद में आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि, और मेरा ख्याल है कि एक शायद नबी वसल्लम के दौर में भी एक इस तरह वाकया हुआ, तो आपने कहा कि नमाज घर पे पढ़ो ठीक है ना जी। अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने अरबी में चूंकि अजान है, तो कई मुल्कों में मैं देख रहा था कि उन्होंने हमारे थे ना हैया अल सला हैया अल फला, अब वो कहते हैं हैया फी बैत, कोई इस तरह का है कि उन्होंने चेंज किया कि अपने घर में ही नमाज पढ़ो, ठीक हो गया, लगे आओ नमाज की तरफ जी। तो अब उन्होंने उसको थोड़ा चेंज करके कि घर में ही पढ़े, घर में नमाज अदा करो, ठीक हो गया। मैम आप मशले राह के साथ भी मुंसलिक हैं, मशले राह के बारे में बताइएगा कितनी देर से ये लोग काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। जो फाउंडेशन हम मशले राह ये हमारी स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए जी, और हम टीनएजर्स बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं। तो हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इसमें स्टार्ट हुए हैं, एक मशले नूर है जिसमें हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, एक हमारा मशले शिफा है जिसमें हम टोटल बाहर हर लाहौर में हर जगह जाके कैंप करते हैं, उसमें हम मेडिकल कैंप होता है, आई कैंप होता है, हेयरिंग स्केरिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो लोग समझते ही नहीं है। अभी भी हम जब वहाँ आते हैं तो कहते हैं जी आई कैंप है तो हम आंखें तो चेक करा लेंगे, लेकिन कान का तो मसला ही कोई नहीं है, तो आप चेक तो करा लें है या नहीं है। फिर हम उनको समझाते हैं कि आपसे हम पैसे नहीं ले रहे, फ्री हो रहे हैं, तो आपको चेक कराने में क्या हर्ज है जी, ठीक है। कुछ लोग करवा लेते हैं, कुछ ऐसे हैं कि नहीं हमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब चेक करते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आता है। देखिए मैल और कुछ भी ना हो तो मैल होता है, वो हम उसको कहते हैं कि ये अब आप साफ करवाएं, उसके लिए हम उनको ड्रॉप्स देते हैं कि 5 दिन का आपका है कि 5 दिन ये इस्तेमाल करें और फिर 5 दिन के बाद हमारे पास आए तो हम इसकी सफाई करें। अच्छा सर, जैसे मैम जिक्र कर रही हैं कि अगर आंख का मसला हो तो हमें लगता है कि हाँ ये कोई मसला है, कान का है तो हम इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत चीजें हमारे में देखने में आती है। हमें लगता है कि जब बीमारी होगी तो हमने डॉक्टर के पास जाना है, उससे पहले हम अपने रूटीन चेकअप के लिए या नॉर्मल चेकअप के लिए नहीं जा सकते, ये अभी तक अवेयरनेस हम नहीं ये इसका बहुत बड़ा मसला ये है कि हमने अपने बजट में ये रखा होता है कि गर्मी आएंगी तो हमने सूट लेने, हमने फलान चीज लेनी है, ये करना है, बच्चे की शादी करनी है, उसकी एजुकेशन, लेकिन हमने अपनी सेहत के लिए एक पैसा नहीं रखा होता। अच्छा फिर जब वो सेहत के लिए आते हैं, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा जी, ब्लड प्रेशर और शुगर, हाँ जी, ये दो डायबिटीज और हाइपरटेंशन दो ऐसे मर्ज हैं कि इनको अगर शुरू में ही डायग्नोज कर लिया जाए जी, तो आपके गुर्दे बच जाएंगे, आप हार्ट अटैक से बचेंगे, आप फाले से बचेंगे, आप आंखों की बिनाई ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपने इन दोनों को, चूंकि ये शुरू में कोई तकलीफ नहीं देते, उसको हम बीमारी नहीं समझते, ठीक है जी, हम बीमारी उसको समझते हैं जिसमें या तो बुखार हो बहुत ज्यादा या शदीद किस्म की दर्द हो, ठीक है ना, फिर उस हम बीमारी समझते हैं, वरना उससे पहले तो बीमारी समझते नहीं है। बेशुमार केसेस ऐसे हैं जिनका किसी वजह से उनके बेसिक टेस्ट कराए तो उनकी शुगर जनाब 400-500 पे पहुंची हुई है, ठीक है जी, और वो धड़ाधड़ मिठाइयां खा रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा अब क्या होगा, सडनली जब वो किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे तो फिर वो पता चलेगा ओहो ये तो तब से शुरू था। अगर साल में हम अपना एक दफा ब्लड प्रेशर एक दफा शुगर 50 रुपए नहीं लगते चेक करवा लिया जाए तो आपको बेशुमार चीजों का। अच्छा सर एक ये भी है कि हम तो पहले जाते ही नहीं डॉक्टर के पास, दूसरा अगर डॉक्टर आपको बता दे कि आपने ये करना है हम वो फॉलो नहीं करते, डॉक्टर घर पे बन जाते हैं, हमारी एक कौमी मेडिसिन है हम वही खाना शुरू कर देते हैं, तमाम लोग अम्मी भी वही देती हैं, तमाम लोग अगर ये बस लाए ये खा लो ठीक हो जाओगे, ये सेल्फ मेडिकेशन। हम दर्जी नहीं हो सकते, हम नाई नहीं हो सकते जी, हम मोची नहीं हो सकते जी, हम कोई और चीज नहीं हो सकते, लेकिन हम सारे डॉक्टर हो सकते हैं।
ठीक है जी, ये हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब होता क्या है, मैं आपको एक इसकी नुकसान बताऊं। हाँ जी, सेल्फ मेडिकेशन में क्या नुकसान है? हाँ जी, कि आपने कोई एंटीबायोटिक यूज किया, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि ये एंटीबायोटिक कितनी डोज में देना है, ठीक है, किस चीज में देना है। मतलब हाँ वायरल इन्फेक्शन हुआ है, हाँ आप एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं जी, अब क्या आप एंटीबायोटिक को जाया कर रहे हैं। हाँ जी, अब हमारे मुल्क में क्या हुआ है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक डेवलप हो गई है। मतलब टाइफाइड का मर्ज था ना, आम एंटीबायोटिक से उसका इलाज हो जाता था, अब क्या हुआ है कि सारे ही वो दवाइयां जो सस्ती थी वो रेजिस्टेंट होगी सिर्फ लोगों की सेल्फ मेडिकेशन से, और जो अताई डॉक्टर बैठे हुए बने हुए सो कॉल्ड डॉक्टर उनकी वजह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई और वो हमारे सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो जाया हो गए। अब दो रह गए हैं सिर्फ, अगर खुदा नास्ता वो भी जाया हो गए तो फिर हमारे पास टाइफाइड का इलाज ही नहीं रहेगा, जिसमें शायद कोरोना से भी कई गुना ज्यादा डेथ रेट है। अच्छा सर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शो किया था, हमने डेंगू पे किया था, इसके बारे में हमने बात की थी सर। अब कोरोना आ गया, दो मतलब डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन आपने देखा था कि पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा डेंगू ने अटैक किया, काफी ज्यादा विक्टिम हुए हम लोग, और हमें भी समझ नहीं आया था स्टार्ट में बेसिकली है क्या। हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की, पैरामेडिक्स बड़ा आगे आगे रहे, इन तमाम लोगों ने बड़ा काम किया सर। कोरोना क्या इससे ज्यादा डेंजरस है? ये दोनों डिफरेंट है कहीं किसी हद तक, जितना पैनिक, मुझे नहीं लगता हम डेंगू की तरफ इतना पैनिक हुए थे जितना हम कोरोना की तरफ हो चुके। हम डर रहे हैं, लोगों से शेक हैंड करते हुए हम मुंह से बोल देते हैं कि मुझे सलाम नहीं लेना आपसे। असल में जो डेंगू था ना ये लिमिटेड एरियाज में हुआ, ठीक है, ये कोरोना जो है पूरी दुनिया में 156 कंट्रीज में एक ही दम जी, ठीक है ना। पहले होता था डेंगू फार ईस्ट में है, श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, सिंगापुर में है, ठीक है, लिमिट थोड़े थोड़े एरियाज में, मलेशिया में है, 2011 में लाहौर में आया, लास्ट ईयर पिंडी इस्लामाबाद में आया, तो ये थोड़े थोड़े एरियाज में आया और कुछ कुछ वक्त के लिए, और कुछ कुछ वक्त के लिए आया और फिर खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इस लिहाजा उसका इतना पैनिक जो है ना वो नहीं था, ठीक है, इसका पैनिक जो कि वहां पर सडनली डेथ होनी शुरू हो गई, तो इसलिए जो है ना। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ डेथ को हम देखते हैं, रिकवरीज को नहीं देखते, रिकवरीज हम बताते भी नहीं है, बताते कितने सजाब हो चुके हैं। जी हाँ, कि 98% तो बेचारे ठीक होकर घरों में भी चले गए हैं, घरों में भी चले, ठीक है ना, सिर्फ 2% जो है उनका हमने ख्याल करना है बस, जी जी ठीक हो गया जी। तो मतलब कि दोनों बीमारियां खतरनाक थी, लेकिन दोनों, ये जो डेंगू था, लेकिन क्या एहतियाती तदाबीर दोनों के लिए जरूरी थी उसमें भी बताई गई, और इसमें भी बार बार बताया जा रहा है कि जो लोग विक्टिम है या जो जिनको ये वायरस है उनका मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और पैनिक क्रिएट मत कीजिए ना सोशल मीडिया पे, और जो भी आपको न्यूज मिलती है उसको देखे बगैर कि आया ये सच है ये नहीं आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, इससे भी पैनिक क्रिएट हो रहा है। 1166 एक हेल्पलाइन है। अच्छा, 1166 कोई अगर आपको इस तरह की न्यूज मिले आप वहाँ पे फोन करके इंक्वायर कर लें। अच्छा, कि आया ये ठीक है, कर लीजिए, ठीक है, 1166 ठीक हो गया। और सर अगर कोई टेस्ट करवाना चाहे, अगर क्योंकि आजकल आम बंदे को टेस्ट की नहीं जरूरत, ठीक है, क्योंकि ये भी बड़ा मसला बन गया, क्योंकि किट्स थोड़ी है। अगर फर्ज कर किसी को आम नजला खांसी बुखार है, वो किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो बाहर से आया हो, उसको कतन कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करने की, बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ वो बंदा जो के उसके कांटेक्ट में रहा हो या जो पेशेंट बाहर से आया और उसको सिम्टम हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना, सिर्फ उसके टेस्ट की जरूरत। सर मैंने देखा है कुछ खवातीन इतना डर गई हैं, मेरे इर्द गिर्द की खवातीन है, कि वो सारा दिन ना कोरोना वायरस के बारे में बात करती रहती हैं, और दूसरा कि इसके टेस्ट कहाँ से होंगे, कहाँ, आपने देखा, वह बहुत बुरी चीज है, और लोगों को नॉर्मल भी खांसी हो रही है तो वो उसमें भी समझ रहे हैं कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया। आपने सुना होगा, आपको ज्यादा बेहतर, आपको कॉल आती होंगी लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल। इमरान से बात करेंगे, इमरान आपने एक्टिंग कहाँ से स्टार्ट की, कब से कर रहे हैं आप एक्टिंग? मैं 2010 से स्टार्ट की थी एक्टिंग। अच्छा, गुड। तब मैं स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट थी, तो उस वक्त आई वाज गेटिंग माय एजुकेशन फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था एक्टिंग का, तो मैं अक्सर ब्रेक में अपने फ्रेंड के साथ उनको डायलॉग सुनाने, शाहरुख खान की तरह। अच्छा, और मेरा टैलेंट इतना के एक्सप्लोर हो चुका था उस टाइम के मेरे सीनियर टीचर्स भी मुझे कहते थे कि फन फेयर आ रहा है स्कूल में, आप एक्ट करके दिखाएं इफ यू हैव टैलेंट। तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया अपना करियर स्कूल कॉलेजेस में,
तो मेरा जो एक्सप्लोजन था यानी कि एक्टिंग का, वो काफी अच्छा हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे काफी यानी कि मैंने जागरू फिल्म कौन सी है, ड्रामा कोई कुछ किया था आपने? मैंने 2016 में क्राइम किया था मेन। अच्छा, क्राइम जी, हकीकत। फिर उसके बाद एक रहबरा मूवी एहसन खान साहब के साथ भी काम किया। एहसन खान साहब के साथ काम, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, सीनियर्स लोगों के साथ फिल्म में काम करना? फिल्म जो है वो डिफरेंट है, क्राइम स्टोरी करना, टीवी पे काम करना थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू फिल्म। एज कम्पेयर टू फिल्म, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कैमरा। कैमरा इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप कैमरे को फेस कर रहे हैं तो समझ लें कि आप कर रहे हैं। और कैमरा हर किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता, बेस्ट फ्रेंड नहीं बनता। सम पीपल्स जिनके पास टैलेंट होता भी है तो वो पैनिक हो जाते हैं कैमरे के सामने क्या बोलना क्या है। सम लाइंस ऐसे होती हैं कि जैसे कि आपने याद किया, बहुत अच्छी क्रिएशन थी आपकी, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन जब आप कैमरे के सामने आए तो खत्म हो गया। यानी कि वो आपको ये हेजिटेशन होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा डायलॉग निकल आया तो शायद वो हंस पड़ेंगे, तो ये गुमान ज़हन में होता है। अच्छा, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं सर, लेक्चर बड़ा जबरदस्त डिलीवर करते हैं, 100-200 लोग भी अगर बैठे हो, स्टूडेंट्स बैठे हो तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा, इवन कि उनको मैंने बात करते हुए सुना है कि यार जैसे ही कैमरा ऑन हुआ कोई बंदा नहीं था सिवाय एक कैमरा मैन के, उन्होंने जैसे मुझे कहा कि कैमरा ऑन है बोलिए तो बोला नहीं गया। बहुत से लोग ऐसे होती है, फोबियाज होते हैं लोगों को, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप भूल जाएंगे लोग आपको देख रहे हैं। ऐसे खान के साथ फिल्म करना और उनके साथ सेट शेयर करना, डर लगा? फर्स्ट टाइम लगा था, लेकिन मुझे ये भी गुमान था कि शायद मेरी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं इतने बड़े एक्टर के सामने काम कर रहा हूँ तो कहीं मुझे टोक ना दे कि बेटा आप काम नहीं सही करे, यू आर नॉट डिलीवरिंग योर डायलॉग्स इन एप्रोप्रिएट। तो फिर भी मैंने हौसला रखा, मैंने कहा नहीं, इसी तरह इंसान आगे जाता है। तो क्या करेक्टर था जो आपकी पहली फिल्म थी? मेरा उसमें शादी का करेक्टर था, डांस था, थोड़ा सा थोड़ी सी लिपसिंग थी माइम से जो मैंने किए, जिसने मुझे थोड़ा सा यानी कि हौसला दिया कर सकता हूँ इतने बड़े क्राउड में, और डायरेक्टर्स भी आपको वॉच कर रहे हैं, इवन के जो उनके डायरेक्टर थे अमीन इकबाल साहब, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने मोमो राणा के साथ भी काम किया, आई लव यू लाहौर में जी। उसमें मेरा गुंडों वाला करेक्टर था, जैसे कि आजकल की मूवीज हैं देसी टाइप जिसे कहते हैं। अच्छा, वो पंजाबी फिल्म थी वो? जी जी, पंजाबी। अच्छा, पंजाबी थी। शान साहब के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज दे आर मोमो राणा साहब के साथ कैसा रहा, क्योंकि वो खुद माशाल्लाह एक बेहतरीन हीरो है और उनकी जो सेट पे एक अपीयरेंस है ना, वो पता चलता है कि वो सेट पे आ गए। और मेरे सबसे फेवरेट एक्टर भी मोमो राणा है, क्योंकि जब हम सेट पे बैठे हुए थे तो वो हमें सबको वॉच कर रहे थे और वो कह रहे थे आप न्यू हैं, तो बेटा आपने इस तरह काम करना है। और अच्छा, ये सबसे बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा एक्टर आपको अगर एडवाइस कर रहा है कि आपने इस तरह काम करना है, तो ये भी एक सक्सेसफुल का एक सिंबल है जो आपको दे रहे हैं। तो हमने कहा यस सर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है सर वाली बात कि अगर जहाँ पे नेगेटिव लोग हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे कुछ अच्छे लोग अभी भी बाकी है, शायद इसीलिए ये दुनिया भी कायम है। तो आप मुझे बताएं कि वो इस तरह से गाइड करते थे उन्हें, ये नहीं होता था कि मतलब बच्चे हैं तो ठीक है मेरा काम थोड़ी इनको गाइड करना, अक्सर लोग करते हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ी बात होती है टैलेंट की कदर करना, रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट करना आर्टिस्ट की जो आपके साथ काम कर रहा है। If he is working with you in a big project, whatever he is working in a small project, अगर वो co-actor है या वो actor काम कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात होती है actor को यानी के उसकी कदर करना। तो ये मैंने बड़ा कुछ सीखा मोमो राणा से, I love you लाहौर में एक बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं जर्नी था मेरा उनके साथ जी। तो मैंने काम किया, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला और आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी तक सीख रहा हूँ, और मेरी यानी कि यही दुआएं दिली कि मैं सारी जिंदगी सीखता रहूंगा, चाहे जितना मर्जी रहते हैं ना, कभी नाकाम नहीं होते, क्योंकि जो सीखने का अमल होता है वो हमेशा जारी रहना चाहिए। सर डॉक्टर्स भी सीखते रहते हैं, मतलब कि माशाल्लाह से हमें लगता है कि इतनी बुक्स पढ़ के इतना टाइम लगा के वो बेचारे डॉक्टर्स बनते हैं और फिर आगे से कुछ स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखें जी, डॉक्टर्स जो है ना वो अपने जिंदगी के आखिरी दिन तक सीखते हैं। रीजन क्या है कि आपकी मेडिसिन जो आपने 20 साल पहले पढ़ी थी ना, बल्कि इवन 6 महीने पहले पढ़ी थी, वो अब खत्म होगी, चेंज हो गई, क्योंकि नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं, इतना जो ये कुछ सालों से इतनी डेली चेंज हो रही है, मतलब जैसे कोरोना वायरस, हाँ जी, ये पहले था ही नहीं, डेंगू पहले था ही नहीं जी। अब जिन्होंने 20 साल पहले ग्रेजुएशन की हुई है या कोई भी स्पेशलाइजेशन की हुई है, उन्हें तो नहीं पता इन बार को, ऊपर से वही तो नहीं, आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। तो हमारा तो ये है, मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है,
साल में, पूरे साल में 450 कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम हम करते हैं। 365 दिन होते हैं, 450 प्रोग्राम। फिर हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है फैमिली कॉन के नाम से, जिसमें पूरे मुल्क से हम डॉक्टर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई होती हैं वो उन्हें बताते हैं। ठीक है। उसकी वजह से वो नॉलेज ट्रांसफर करते हैं अपने पेशेंट को। मसलन ब्लड प्रेशर की दवाई थी पहले, कोई और थी टॉप पे, अब देखा उसके साइड इफेक्ट है तो चेंज होगी, नए मॉलिक्यूल आगे। अब अगर आपको पता ही नहीं है तो आपका नॉलेज ही नहीं होगा तो आप नहीं कोप कर सकेंगे। इसलिए डॉक्टर्स का तो ये नई रिसर्च के साथ जुड़े रहना ये बहुत जरूरी है। हाँ, अगर उसने अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना है, ठीक हो गया। फिर ये है कि आज का पेशेंट जो है वो नेट से हर चीज पढ़ के आता है। अगर डॉक्टर को पता ही नहीं है, उसने नहीं पढ़ा हुआ, तो कैसे जवाब देगा, कैसे मुतमिन करेगा, उसकी प्रैक्टिस भी सफर करेगी। लिहाजा डॉक्टर्स के लिए तो बहुत जरूरी है, हर फील्ड में ही बड़ा जरूरी है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए तो बहुत जरूरी है। अभी मसलन ये जो कोरोना आया लेटेस्ट, इसमें अब लोग आके इतने क्वेश्चन करते हैं और डरे हुए हैं ना लोग, डरे हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि मैं आके प्रोग्राम के आखिर में यही कहूंगा कि सबसे पहले तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 98% क्योर रेट है, क्योर, ठीक है ना। 2% भी उनमें है जो बड़ी उम्र के हैं या जिन्हें कोई ना कोई मसला है, ठीक है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, ठीक है। अच्छा, उसमें यह है कि सबसे पहले वरी उसको करना चाहिए जो किसी ऐसे बंदे से मिला जो इन कंट्रीज से जिसमें कोरोना फैला हुआ है वहां से कोई बंदा आया, ट्रैवल करके आया, उसको वो सिम्टम थे और आप उससे मिले, ठीक है ना। अगर आप में ये हिस्ट्री नहीं है, हाँ जी, बेशक आपको नजला खांसी बुखार है, आप किसी ऐसे बंदे से नहीं मिले हो तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं, ये आम नजला खांसी है। अच्छा सर, आपने सिम्टम्स की बात की, जो लोग ट्रेवल करके आए हैं उनको चेक किया गया, स्कैन किया गया, उनमें वो सिम्टम्स नहीं थे लेकिन बाद में हो गए, इसका मतलब है कि स्टार्ट में फौरन ऐसा नहीं है कि अगर आप वायरस, शुरू के जो 5 दिन है वो तो होता ही कुछ नहीं है, और वो स्कैन, ठीक है ना। उसके बाद जो है अपना, चूंकि ये 2 से 14 दिन तक लग सकते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, आज किसी को एक्सपोज हुए ना, हाँ तो 2 से 14 दिन तक ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो पहले शुरू के जो कुछ दिन है उसमें तो आपको 4-5 दिनों में कोई सिम्टम नहीं, फिर आपको बुखार हुआ, ठीक है, आपको ड्राई कफ हुई और उसके बाद कुछ हफ्ता ठहर के आपको सांस रुकना शुरू हो गया। तो ये जो सिम्टम है ये टिपिकल है इसके, और बाज पेशेंट्स में लूज मोशन और वॉमिटिंग भी देखी गई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब अच्छा, डेथ किस वजह से होती है? डेथ होती है या तो निमोनिया से, या गुर्दे फेल हो जाते हैं, या हार्ट जो है ना वो काम करना छोड़ देते हैं। तो ये इसकी चीजें, ये मतलब अल्टीमेट, लेकिन ये है कि जो लोगों को ये है कि जिसमें ये अलामत हो, एक तो उससे डिस्टेंस से रहें, बार बार हाथ धोएं, मुंह पे बार बार आप हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये आंखों पे हाथ लगेगा, नाक पे या मुंह पे, तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है ना। आप पानी, अपनी हाइड्रेशन ठीक रखें, पानी बार बार पीते रहें, क्योंकि अगर आपका मुंह खुश्क होगा तो फिर ये जल्दी एंटर हो जाता है। लोआब जो है ना हमारा मुंह में लगा हुआ, ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है ना। अगर वो खुश्क नहीं आपको होने देना चाहिए, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है ना वो डिस्टेंस रखें, ओवर क्राउडिंग ना करें, ये चंद एक अगर एहतियात आप कर लेंगे, और सैनिटाइजर यूज करें। बेहतर तो यह है कि हर घर में या ऑफिस में साबुन और पानी का इंतजाम होना चाहिए, ताकि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हाथ वॉश कर लें। नाजी, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होती है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, इसके अलावा एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग के अलावा मछले राज जो है, हम मछले राज जो एक फाउंडेशन है उनके बारे में बात करें, वो किस तरह से बच्चों को आगे लेके आ रही है, किस तरह से हेल्प कर रही है, फंड रेजिंग कैसे की जाती है, उस बारे में भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा बात की जा रही है क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पैनिक नज़र आ रहे हैं, लोगों को नहीं समझ आ रही कि
क्या करना है, हम इतने डर चुके हैं कि शायद हम दूसरों से मिल भी नहीं रहे, और सिर्फ इस डर से कि शायद मुझे ये वायरस ना हो जाए, इसलिए आज हम डॉक्टर साहब से बात भी करें। सर, आप बता रहे थे अक्सर आपने देखा होगा फॉरवर्ड मैसेज आपको आ रही होती है, उसमें लिखा था दर्जा हरारत इतने में ये जो वायरस है वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो लोगों ने धूप में सनलाइट में बैठना शुरू कर दिया है, उनको लग रहा है कि शायद इस वजह से भी खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है? देखें जी, जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना की जो एक किस्म थी, हाँ जी, मर्स के नाम से जो, हाँ, पहला मिडल ईस्ट में, आप जो लोग मक्का गए हैं उन्हें मक्का की गर्मी का एहसास होगा, यहाँ से बहुत ज्यादा होती है और ऐन गर्मियों में वो फैला, लिहाजा वो कोरोना गर्मियों में फैला था। ये कोरोना की जो बर्थ है वो दिसंबर की है 2019 की, इसलिए अभी गर्मी देखी नहीं है, लिहाजा हम नहीं कह सकते कि ये गर्मियां आएंगी ये खत्म होगा कि नहीं होगा। डेंगू का इसलिए है कि डेंगू मच्छर के जरिए फैलता है, मच्छर की जो है ना वो बरसात में ज्यादा होता है, हाँ जी, ठीक है ना, जो ही सर्दी आती है तो मच्छर कम हो जाता है, अंदर घुस जाता है, वो लोगों को काटता नहीं है, गर्मियों में वो ज्यादा काटता है, इसलिए वो डेंगू जो है ना सीजनल। ये अभी जब गर्मी आएगी फिर पता चलेगा कि ये आया उसमें सरवाइव करता है और या नहीं करेगा, अभी हम बिफोर हैंड कुछ नहीं, ये स्पेकुलेशन है कि शायद। मैं आपसे राय लेना चाहूंगी, आपको लगता है कोई चांसेस है अगर गर्मी आएगी तो शायद ये सरवाइव ना कर पाए? ये लोग क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि फ्लू हमेशा सर्दियों में होता है जी, तो उसको रिलेट, चूंकि इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो लोग रिलेट कर रहे हैं कि शायद ये गर्मियों में खत्म हो जाए, लेकिन जब तक गर्मियां आ नहीं जाती ये कैसे बिहेव करेगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सर, वैक्सीनेशन की बात करें कि इसकी वैक्सीन आ गई है, कुछ लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई है कि फलां कंट्री के पास है, फलां के पास आ चुकी है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है, आप क्या कहेंगे, कुछ हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे सच पे, जो सच्चा हकीकत है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे इतनी न्यूज देख रहे हैं कि अब हमें सच ही खबर भी झूठी लगना शुरू हो गई है, या शायद झूठी खबरें भी सच्ची लगना शुरू हो गई। रोश एक कंपनी है मेडिसिन की, वो अमेरिकन कंपनी है, तो उसने, उसके जो मालिक था उसने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलके एक अनाउंसमेंट की, उसमें उन्होंने किट्स बनाई हैं, डायग्नोस्टिक किट्स। अच्छा, ठीक है, वो वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन इतनी जल्दी वैसे भी नहीं बन सकती, उसकी रीजन ये है कि इसके 2-3 किस्म के ट्रायल होते हैं, हाँ जी, पहले जानवरों पे होते हैं, ठीक है, उसकी सेफ्टी देखी जाती है कि आया सेफ्टी और एफिकेसी, ठीक है, कि आया ये एफिकेशियस है, ठीक करती है, और दूसरा कि सेफ है। उसके बाद फिर चंद एक वॉलंटियर्स लिए जाते हैं जी, उन वॉलंटियर्स के ऊपर पहले टेस्ट किए जाते हैं, ह्यूमन वॉलंटियर्स, ठीक है, जब उनमें भी ठीक हो जाए और उसका कुछ अर्सा उसका देखते हैं कि इनमें बाद में कोई इफेक्ट तो नहीं, कोई सर्वाइव कर रहे और ठीक हुए या उसमें बाद में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, फिर जाके तीसरा ट्रायल जो होता है वो रैंडम ट्रायल होता है जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर किया जाता है। तो इसलिए जब तक ये ट्रायल ना हो जाए उतनी देर तक, और इसको साल, सवा साल, डेढ़ साल तक लग सकता है, तो लिहाजा अभी ये वैक्सीन कोई नहीं है। और अगर कोई क्लेम कर रहा है हमारे यहाँ, तो मैं अगले दिन सोशल मीडिया पे एक बाबा जी ने लिखा हुआ कि कोरोना का 100% इलाज, हाँ जी, शर्तिया इलाज, शर्तिया इलाज, ये शर्तिया इलाज, शुगर का शर्तिया इलाज, कैंसर का शर्तिया इलाज, ये सिर्फ हमारी दीवारों पे ही लिखा होता है, और ये वो लोग हैं, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए, बिल्कुल, चूंकि ये देखे जिसको तकलीफ है ना वो बेचारे को कोई कहेगा ना। देखिये, मैं एक दफा जब स्टूडेंट था मैं बस में जा रहा जी, एक बंदे ने कहा जी कि सांप की सिरी का सुरमा बनाया है, और देखें सांप की नजर इतनी तेज होती है कि दूर से देख लेता है, तो लिहाजा ये आप डालेंगे ना तो आपकी नजर बड़ी तेज हो जाएगी। मेरे पास ही एक बाबा जी बैठे, कहते पुत्र मैं ले लवा, मैं कह जी ये लै तो लवो पर कल नू फिर तो नजर कोई नहीं आना, ठीक है ना, मतलब देखे सांप की सिरी का सुरमा मतलब इस तरह के लोग, और लोग सिर्फ 5 रुपए, जी जी 10 रुपए, जी हाँ, ठीक है ना, तो मतलब इस तरह के जो इश्तिहारबाज लोग हैं जो लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं उनको ये गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। अभी तक लोगों को ये क्लियरली है कि ना इसकी अभी वैक्सीन है ना प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, हाँ जी, ट्रीटमेंट जो पेशेंट दाखिल होते हैं, हाँ जी, मतलब जिनको हाई ग्रेड फीवर है, हाँ जी, तो हम जो पैरास्टामोल टाइप मेडिसिन है वो जो फीवर, नॉर्मल फीवर में दी जाती है, जो किसी भी फीवर में दी जाती है फीवर को डाउन करने के लिए जी, इसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपको नजला हुआ
तो आपने एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामाइन्स वगैरह दी ताकि नजला कम हो जाए, ठीक है। बुखार हुआ तो बुखार की जनरल दवाई जो कि हर बुखार को कम करती है वो दी, ठीक है। उसके बाद आपको बॉडी पेन एंड एक्स है तो उसकी मेडिसिन दी जी। उसके बाद अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहे हैं तो रेस्पिरेटरी असिस्टेंस, और अल्टीमेटली क्या होता है कि इन पेशेंट्स को जिन्हें बहुत ज्यादा निमोनिया और सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए उन्हें वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। तो जब वो अपना और वायरस, हर वायरस का ये है कि कुछ अर्सा या तो वो पेशेंट को नुकसान पहुंचा जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी, या कुछ अर्से के बाद ये खुद ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना होने के बावजूद भी ये क्लियर हो जाता है। अच्छा सही, हाँ, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि कनाडा में हुआ था बहुत अर्सा पहले, तो उसमें ये असल में ना नहीं, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना जी, वो इसको खत्म कर देता है, अच्छा, ठीक है ना। चाहे ये जितना मर्जी मल्टीप्लाई करे, जब हमारा डिफेंस और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है जी, तो हमें ये क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर देते। अच्छा, इसमें एक दो चीजें मैं करना चाहूंगा, मसलन अपनी इम्यूनिटी को कैसे इनहांस करना है। हाँ जी, आप सुबह वॉक करें जी, आप प्रॉपर डाइट लें, आप प्रॉपर नींद लें, आप पॉजिटिव सोच रखें। पॉजिटिव सोच का भी एक है, इसका बहुत बड़ा है। अगर आप नेगेटिव सोच हर वक्त रखेंगे ना, आपके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी को लो करेंगे। अरे जी बिल्कुल, जो लोग मतलब कि जो इस किस्म के होते हैं ना, हर वक्त स्ट्रेस में और उसके खिलाफ उसके खिलाफ, जो पॉजिटिव बंदा होता है ना वो अंदर से काम एंड क्वाइट होता है, उसने किसी के साथ जाती नहीं की तो उसका ज़मीर मुतमिन होता है, उसकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग है। अल्लाह ताला ने लिंक रखा हुआ है बहुत ज्यादा। अब तो डायबिटीज को रिलेट कर दिया गया है स्ट्रेस के साथ, हाँ, ठीक है ना, कि स्ट्रेस में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं, और आपको शुगर नहीं है तो शुगर हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि और अपना नमाज पढ़ें, अपने आप को मतलब काम एंड क्वाइट रखें, आप जितना पॉजिटिव, और जैसे मैडम ये काम कर रही हैं, मैं समझता हूं कि दूसरों को तो फायदा हो ही रहा है, इनका अपना ज़मीर बहुत मुतमिन होगा अंदर से कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूं। आप एंड ऑफ द डे रात को अगर अपना खुद एहतसाब करें और ये देखें कि आज मैंने कितने लोगों की हेल्प की, आज मैं कितने लोगों के काम आया। देखें अपना तो एनिमल्स भी करते हैं, अपनी खुराक अपना खाना पीना तो एनिमल्स भी करते हैं, इंसान में क्या फ़र्क है, वो अपने से हट के, मुझे इनसे कोई वैसे कोई रिलेशन नहीं है मेरा, कोई मतलब मेरे वो करीबी नहीं है, लेकिन मैं इनकी एज ए इंसानियत, इनको कोई तकलीफ है मैं इनकी हेल्प करता हूँ, और बगैर किसी फायदे के कि मुझे ये फायदा पहुंचाएंगे, तो वो मुझे रात को बहुत सुकून देगी, ठीक है ना। ट्रू, बड़ी जबरदस्त। सर आज आपने बात की कि इंटरनल सिस्टम जो है वो भी लिंक करता है आपकी पॉजिटिव सोच के साथ। बहुत ज्यादा, आप जितने पॉजिटिव रहेंगे आप खुद भी ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। कैंसर टाइप जो मर्ज है ना, ये भी इसका देखा गया है कि जो चीजें हमारे अंदर नेगेटिव चीजें होती है ना, वो हमारे अंदर ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है हमारे अंदर के सिस्टम को, और वो सेल जब डिस्ट्रॉय होते हैं वो अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है तो वो आपको कैंसर काज करता है। ओहो, इसलिए इसका बहुत ज्यादा जी विल पावर आपको हर, इसमें भी यही कहा जा रहा है ना बार बार, कोरोना में भी जी, कि आपके अंदर अगर आ भी गया है और आप अंदर से उसको मुकाबला कर रहे हैं और वो अंदर ही मर जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। ये जो हमारी सोच है ना नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हम अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं। आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हम अपने ऊपर तारी करते हैं, ये जो अभी खौफ फैला हुआ है जी, ये खौफ नहीं, इसको इतना कोरोना को किया है, खौफ ही है जी, खौफ है, और ये अंदर से आप अपने खौफ निकाल दें, क्योंकि देखिए लड़ाई तो आपके अंदर होनी है इस मर्ज से, बिल्कुल। जब आप अंदर से लड़ेंगे नहीं, आप तो खौफ से होके बैठ गए हैं, छुप रहे हैं, तो वो फिर कैसे आप मुकाबला करेंगे जी। सर जी प्लीज जरूर करना चाहूंगा कि मतलब चूंकि हमारा पेशेंट से ताल्लुक होता है, हमने अपने सामने लोगों को मरते भी देखा, ठीक है जी। मैंने एक चीज नोट की है कि जब आप मतलब हमारा ये मजहब भी कहता है कि मौत का एक वक्त मुकर्र है, इलाज जिंदगी का है, मौत का कोई नहीं, ठीक है ना। जिसकी जो लिखी है ना उसको, ये अगर हमारा बिलीव हो जाए ना कि ना एक दिन जिंदगी बढ़ सकती है ना एक दिन कम हो सकती है, ठीक है ना, तो हमें खाम हा का डरना, मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में फर्क ये है बिलीव का, कि वो इस दुनिया को सब कुछ समझता है, हमारे यहाँ ये है कि एक हेयर आफ्टर भी है, आपने बाद एक दुनिया जिसमें जिंदगी है जिसमें जाना है जी। तो वो अगर हम ये कॉन्फिडेंस कर लें कि यार हमें इससे नहीं डरना, ठीक है ना, ये मेरी अगर मेरी किस्मत में अगर इस तरह लिखा हुआ है, मुझे एहतियात में लाजम है,
مجھے سارا ہاتھ پیر مارنا ہے کہ میں بچوں اس سے, لیکن خدا نخواستہ اگر یہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ اگر پازیٹو تھنکنگ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, حل ڈر ختم ہو جائے گا فوراً. جی جی تو آپ اسپیشل بچوں میں دیکھیں, ہاں ان کے اندر دیکھیں, ہم تو ہاتھ پاؤں ہر چیز ہماری سلامت ہے, پھر بھی ہم خوف زدہ ہیں. جی لیکن وہ بچے ان کو آپ دیکھیں گی تو ایک ان کے اندر جو زندگی ہے نا, اگر وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو نہیں ہے, لیکن وہ جتنا خوش ہیں, جتنا مطمئن ہیں, جتنا بھی ہے اس پہ خوش ہیں, وہ بہت اور اتنا وہ کوشش جو وہ کرتے ہیں جی اس پہ وہ کوشش, مطلب اگر نہیں ہے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے, لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ نے دوسری ایسی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. میم ان میں جو صلاحیتیں ہیں وہ نارمل لوگوں سے زیادہ ہے, زیادہ دیکھنے کی, بولنے کی, ایون کہ بہت اچھی سنگر ہے, بہت اچھی پینٹنگ کرتی ہیں, اسکیچنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ ان میں صلاحیتیں ہیں. ہماری کچھ میں جانتی ہوں کہ جو بےچارے بلائنڈ ہیں جی, لیکن آپ جب ان سے میں ملی ہوں تو وہ پرفیوم تیار کر رہے ہیں, کیا بات, اور وہ کیمیکل کے بغیر. وہ آپ کی بیڈ کے جو چیئرز ہیں یہ وہ خود بن رہے ہیں, اور انہوں نے پورا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے بلائنڈز کے لیے کہ وہ آئیں اور ہم ان کو سکھائیں گے اور سارا فری کر رہے ہیں. کیا بات, سب بتا. میم اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیے, جب سے آپ منسلک ہیں اس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کی زندگی میں کیا پازیٹو چینج آیا؟ لیکن میں 3 سال سے ہم اشلرا کے ساتھ ہوں, لیکن اس سے پہلے بھی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, ہر چیز اللہ کے, اللہ چاہتا ہے آپ سے کیا کام لینا تو وہ آپ کو اس رستے پہ لگا دیتا ہے. تو انسان کی اپنی میرا خیال ہے کوئی اس میں خوبی یا بڑائی نہیں ہے, کہ وہ اللہ جب جس سے جو کام لے رہا ہوتا ہے. تو یہ شروع سے میرا تھا کہ میں اگر گاؤں گئی ہوں, کہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوں, وہاں کوئی بچہ بیمار ہے, تو ایسے حالات میں نے وہاں لوگوں کے دیکھے کہ جن کے پاس کرایہ نہیں تھا وہ بچوں کو لا نہیں سکتے تھے, اور وہ مائیں جن پہ کیا گزر رہی ہوگی جو بچوں کے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں, کہ وہ اس حالت میں کہ وہ بچ ہی نہیں سکتے تھے, لیکن ان کے پاس کوئی وہ تھا ہی نہیں ذریعہ کہ ہم ان کو ہاسپٹل تک لے جائیں, وہاں کوئی ایسی فیسلٹی ہے نہیں کہ جہاں ان کا علاج ہو سکے. جی میں ان بچوں کو لے کر آئی یہاں لاہور, لائی ان کے علاج, ان کے مطلب میں کیا کر سکتی, صرف لا کے یہاں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ان کو ایڈمٹ کروا دیا, ان کا علاج شروع کروا دیا, جا کے ان کو دیکھ لیا, ڈاکٹر سے بات کر لی, باقی تو الحمدللہ یہاں پہ فری ہاسپٹلس میں ہمارے کافی حد تک فری ہوتا ہے. جی میڈیسن وغیرہ کی کوئی ضرورت ہوئی تو وہ ان کی ہیلپ کر دی. تو میں نے یہ اس طرح کی چیزیں میں کرتی تھی. اب جب یہ ہمیشہ راکا آیا تو یہ اسپیشل نیڈس بچوں کے لیے تھا, تو یہ مجھے ذرا اور اس میں لگا کہ نہیں اس میں یہ تو بچے ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو بس پھر میں ان کے ساتھ جڑی اور ان کے ساتھ پھر میں سارا نکلے. ہم سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے, آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں, ڈونیٹ کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں میں گئی ہوں اندر, تو وہ بچے جو بےچارے ڈسیبل ہیں وہ نہیں چل سکتے, تو اس کے گھر والے بھی دیکھے تھوڑا سا وہ جو احساس کی آپ نے شروع میں بات کی تھی, کہ وہاں میں نے دیکھا کہ وہ احساس ختم جو میں نے دیکھا, کہ وہ بچے جو ہے نا, میں گئی ایک گھر میں تو وہ 13-14 سال کی بچی تھی اور وہ چارپائی پہ دھوپ میں آدھی وہ چارپائی پہ تھی اور پاؤں اس کے نیچے لٹکے ہوئے تھے, اور جب ہم گئے تو اس نے پانی مانگا اور گھر میں کوئی نہیں تھا, وہ اکیلی تھی. پتہ کیا چلا کہ ماں بھی صبح نکلتی ہے, تیرے گھر کے کام ہیں اس نے بھی کرنے, گھر لا کے کھلانا ہے بچوں کو, وہ کہیں کام وام کرنے جاتی ہے, ایک اس کی چھوٹی بہن ہے وہ اتنی اس کو کیسے سنبھالے, وہ خود کھیلنے کی اس کی عمر ہے, وہ باہر کہیں کھیل رہی ہے. جب ہم گئے تو اس نے پانی مانگا, اس کو پانی پلایا, تو میں نے اپنے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بنلال بٹالوی, میں نے ان کو فون کیا کہ سر ایک ویل چیئر چاہیے. ابھی کہتے انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر اندر, بلکہ اسی وقت مجھے رپلائی آ گیا کہ ویل چیئر مل جائے گی جی, اور 2 گھنٹے کے اندر اندر ویل چیئر میرے پاس آ گئی, اور میں ان کو دے کے آئی, اور جب میں نے اس بچی کو اس ویل چیئر پہ بٹھایا تو وہ جو اس کی اسمیل تھی اور وہ جو خوشی تھی نا, وہ ایک جو آپ کو سکون دیتی ہے نا. اچھا میم آپ نے ذکر جیسے کیا ہے نا کہ احساس ختم ہو جاتا ہے, اب کیا کریں, پیرنٹس بھی مجبور ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے باہر بھی کام کرنا ہے, ہم لوگ نا شاید انسان سمجھنا معذرت کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ اپاہج ہے, یہ بول نہیں سکتے, یا کوئی بھی مسئلہ جو اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی فیلنگس نہیں ہے, اس کی کوئی نیڈس نہیں ہے, یہ بھی
स्टाइल देखने में आते हैं। बिलाल, आप जिम भी करते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी की, कैसे साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग में तो बहुत टाइम चाहिए होता है आपको। जी देखें, मैंने अपना जो टाइम शेड्यूल है वो अकॉर्डिंग रखा हुआ है कि मुझे पता है कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे मैंने ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे मैंने जॉब पे जाना है, इतने बजे मैंने आना है, इतने बजे मैंने मील लेना है जी। तो देखें, जो एक्टर की लाइफ होती है वो फिटनेस पे डिपेंड होती है। True. ठीक है, अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल 40 to 50 है तो आपने अपनी फिटनेस रखी है तो आप अपनी एज से कम नजर आएंगे, यंग लगते हैं, यंग नजर आते हैं। तो एक्टर तो वही होता है जो हर करेक्टर कर पाए। आप फॉर एग्जांपल हम अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते तो वो हम बीमार हो जाएंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हमारे यानी के फेस पे वो जो मैच्योरिटी होती है एक यंग की वो नहीं नजर आएगी। वो ऑल द टाइम स्ट्रेस फीलिंग, स्ट्रेस और वो कहते हैं थकावट महसूस होना, फिर हम काम भी नहीं कर पाएंगे। तो फिटनेस इज अ बिग थिंग, कई बीमारियों से आप बच जाते हैं। अच्छा, आपका नाम इमरान हाशमी है, एक हमसाए मुल्क में भी एक एक्टर है, तो आपको लोग उनके साथ तो नहीं मिला देते कि आपने उस वजह से अपना नाम रखा है, या वैसे ही आपका पहले ही नाम था? नहीं, एक्चुअली हम लोग सैयद हाशमी है, हाशमी मेरी कास्ट है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाशमी सदात है हमारी, तो ये सिलसिला हमारा शुरू से ही चलता आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शोबिज में एज़ा फ्रैंकली वो कह देते हैं, हाँ। तो कभी बुरा नहीं मनाया, तो हम लोग मैं हंस के कह देता हूँ यार जो मर्जी समझ लो आप। हाँ, मतलब कि ऐसा है ना कि वो नाम के साथ लिंक अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि लोग आप देखते हैं शोबिज में जब लोग आते हैं ना तो अपना नाम खासतौर पर खवातीन चेंज कर देती है, शोबिज का एक अपना नाम है। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े नाम है ना एक्टर एक्ट्रेसेस के, अगर आप बैकग्राउंड उनका चेक करें या हिस्ट्री थोड़ी सी उनके बारे में पढ़े तो उनके नाम चेंज होते हैं। सर ऐसे ही सर, वैसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? मैंने कहा आपसे भी पूछ लूं फौरन से। देखें जी, मैं समझता हूँ कि मूवीज़ और बाकी जितनी है ना, अगर आप पास्ट में चले जाएं ना, क्या बात, तो वो एक मकसद था, एक मैसेज कन्वे होता था जी। और वो लोग आप देखें, इतनी वल्गैरिटी नहीं थी, अब टोटली जो है ना वो हम अजीब हो गया कि अब बंदा किसको कहे कि ये हमारा फेवरेट है। हमारे पिछले जितने भी अदाकार हैं, मोहम्मद अली को ले लें, ज़ेबा को ले लें, ये देखें इनमें एक सोफिस्टिकेशन थी, ठीक है ना। वो अगर कोई रोमांटिक सीन भी कर रहे हैं तो एक हाथ में रह के कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल जो है ना, लेकिन सर आपने जो बात की ना मैसेज वाली, ये मूवी ड्रामे के एंड पे जरूर होना चाहिए, एक मैसेज जरूर करने होना चाहिए, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यंगस्टर तो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं ना आज के दौर में, आप शायद घर में किसी को फॉलो नहीं कर रहे जितने आप ड्रामेज में हीरो या हीरोइन वगैरह को करें, तो मैसेज होना बड़ा जरूरी है। मैसेज और उसकी बेसिकली हम क्या होता है कि आप एक यंग जनरेशन को टीचिंग, देखें जो यंगस्टर है ना उनमें एक्सपीरियंस नहीं होता, वो जब देख रहे होते हैं ना इस तरह, अगर आपने वायलेंस ज्यादा दिखाया उनमें वायलेंस आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखें बच्चों में जो गेम्स हैं उनमें तड़ गोलियां चल रही हैं, अब उनके जेहन में वो बैठ जाएगी चीज, वही अगर उन्हें किसी पॉजिटिव चीज की तरफ लगाया जाए तो ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा। आपने गेम्स की बात की ना, इस पे रिसर्च भी की गई है कि अब के जो बच्चे हैं 2002 के बाद वाले, अब जो ये गेम्स खेल रहे हैं उनमें अग्रेशन सबसे ज्यादा है, अग्रेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल लोगों में नहीं है। इससे पहले वाले लोगों में वो बात करते हैं उनको लगता है कि मार धाड़ ही सब कुछ है, क्योंकि वो गेम्स हिट भी बड़ी रही। एक मैं और चीज बताऊंगा, यहाँ एक रिसर्च हुई कि ये हमारे जो बच्चे आजकल फिजी ड्रिंक्स और ये जो फास्ट फूड खा रहे हैं ना, इनमें जो गुस्से का लेवल है, हाँ, ये बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जितने कार्बोहाइड्रेट्स आप बहुत ज्यादा यूज करोगे ना, आप में गुस्सा उतना ही ज्यादा है, डिसिप्लिन पार भी नहीं है, आप फौरन से क्विकली कर देते हैं और फिर बाद में आप सोचते हैं और ये तलाक का रेट क्यों बढ़ रहा है, इसलिए कि जज्बाती बहुत ज्यादा है। छोटी सी बात हुई उसको आपने रिकनसाइल करना ही नहीं है और फौरन फैसला, ठीक है ना। तो इस तरह मैं ऐसे है बच्चों में देख लेंगे चीजें, कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है। पहले होता था कि बर्दाश्त बड़ों की बातों को, बड़ों की बातों को हम बर्दाश्त करते थे और हमें सिखाया जाता था, एक तरबियत का हिस्सा था जी। अब हमारी तरबियत भी मेरा ख्याल है उस तरह नहीं हो रही, अब हमने तो बच्चों को तरबियत करना ही छोड़ दिया, हमने तो उनको वही उसके हवाले कर दिया है, आईपैड के हवाले कर दिया, गेम्स बैठे गेम्स खेलें, कार्टून देखें, तो जो वो देखेगा और सीखेगा वही वो फिर करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम ब्रांडेड खाने खाते हैं बाहर से, KFC, मैकडॉनल्ड्स, यू नॉट इमेजिन कि हम ये ठीक खा रहे हैं नहीं, कि ये हलाल है या हराम है या नहीं। अब दुनिया पाकिस्तान में देखें आप, बीमारियों की शराह इतनी की बढ़ गई है कि ज्यादातर यंगस्टर ही हैं, उनका खाना, उनका ब्रेकफास्ट बाहर से। आप तो नहीं खाते चिड्डी में?
बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना तो जिम वाले वो जो एक्सरसाइज करती हूँ ना उनका भी एक चीट डे और चीट डे में माशाल्लाह से वो खा ही रहे होते हैं। नहीं नहीं एक्चुअली बहुत कम महीने में एक दफा वो भी अगर दिल किया तो, नहीं तो मैं घर का जो बना हुआ जो कहीं तो आप भी खा ही लेते हैं देख रहे हैं एक आध बार हो जाता है हमारे यहाँ हर चीज एक ट्रेंड हो जाता है ना। देखिये ज्यादा परहेजगार ज्यादा यानी परहेज करना भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता नहीं वो इसलिए क्योंकि आपका मैदा जो होता है ना वो एक ही खाने की आदि बन जाता है उसको आप थोड़ा सा चेंज करें ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर महीने में आपने 28 दिन भी आपने परहेज किया तो दो दिन आप कुछ इस तरह का खा लें फास्ट फूड तो आपको कुछ नहीं कहेगा। अच्छा इमरान ना को कसम से जो लोग जिम करते हैं ना उन्होंने दो दिन में तबाही मचा दे रही है उन्होंने कोई डील्स नहीं देखनी किसी की भी वो बस काबू नहीं आएंगे। मेरा मानना है कि जो घर की रोटी और फल फलों में ताकत है ना वो बाहर किसी में नहीं है। ये बात करो ना ये तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन बॉडी बिल्डिंग लेकिन वो किसी स्टेज पे जाके आपको नुकसान देते हैं क्योंकि स्टीरॉइड मैडम की एक जो बात है ना उसको आगे देखिए कुव्वते बर्दाश्त हमारे मुल्क में बहुत कम हो गया। अच्छा लोग इसको रिलेट करते हैं जी इकोनॉमिकल हालात अच्छे नहीं है ये नहीं है जी। मैंने श्रीलंका में जाके एक चीज नोट की उनके हालात हमसे भी पीछे हैं बहुत पीछे हैं ठीक है जी। हर बंदा मुस्कुरा रहा होगा हर बंदा स्माइल हमारे यहाँ आप देखें स्माइल का जो टाइम है ना पूरे 24 घंटे में वो इतना रिड्यूस हो गया कि हर बंदा गुस्से से भरा पड़ा है उसके आप जरा सड़क पे निकले एक वक्त था आप किसी के साथ टकराए ना हाँ तो वो भी सारी कह के आप भी उससे कह के बड़े आराम से वो चल कोई बात नहीं। अब आप जरा किसी को टच किया बल्कि आपने नहीं किसी ने आपको गलती से टच किया और वो आपके ऊपर गुस्से हो रहा होगा और इतना ज्यादा मतलब है कि वो उसका लेवल है इसका ये हमारी कौम को ना बदलना पड़ेगा अपने आप को। ये गुस्सा कहते हैं कि किसी और का तो कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े आपने अपना बिगाड़ लिया बिल्कुल ठीक है ना। जो बंदा गुस्से में आएगा वो सबसे पहले अपने आप को डैमेज करेगा। सर ये एक है भी अगर मैं गलत नहीं हूँ कि गुस्सा तो ऐसे है कि आप किसी को मारना चाहते हो जहर खुद पी रहे हो और आप चाह रहे हो कि मर अगला जाए इस्लाम में हराम है। और ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है जी स्माइल ये सदका जारी है सदका ही जारी है। हजरत अली ने फरमाया है कि सुबह का जो आप आगाज करते हैं वो सदके से करें आप किसी की तरफ देख के स्माइल भी देते हैं तो वो भी सदका है। हाँ लेकिन आजकल के लोग जो है वो बुरा मान देते हैं कि पता नहीं क्यों स्माइल दे रहा है। वो स्माइल की भी टाइप्स हैं पाकिस्तान में इसमें भी बात हो सकती है। सर टाइप्स हैं जैसे कोरोना की वायरस की टाइप्स है ना तो स्माइल की एक स्माइल हम तब करते हैं जब हमें किसी पे बड़ा गुस्सा होता है स्माइल करके कि तुझे मैं बताऊंगा बाद में वो वाली स्माइल। फिर एक आती है टॉन्टिंग वाली कि अब तुझे सुकून है तेरे साथ ये हो गया है। और फिर एक स्माइल होती है कि बस सबर करो अब मेरी बारी आने वाली। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। वैसे भी स्माइल सेहत के लिए अच्छी होती है। अब अच्छी वाली स्माइल पॉजिटिव स्माइल अब हमने पॉजिटिव स्माइल करनी है कि सबको देख के ये बड़ा जरूरी है बताना सर टाइप्स बहुत ज्यादा है स्माइल के। सर आप बड़े पॉजिटिव स्माइल करते हैं माशाल्लाह। देखिए जी मैं जिंदगी में ना मुख्तलिफ बंदा जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना मुख्तलिफ जगह से मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप अगर गुस्से रहोगे आप किसी को मतलब मैंने आपके साथ अगर खुदा ना सा मिसबिहेव किया ना आप तो चलो उसको बर्दाश्त करके लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे अपने अंदर वो टॉर्चर फील होता रहेगा अंटिल अनलेस के मेरा ज़मीर मुर्दा ना हो जाए ठीक है ना। मैं एक दफ़ा ना मैं एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था हमने एक जुलूस निकाला जी पर उन्होंने हमें जेल में कैद कर दिया। अच्छा अच्छा वो चार पांच दिन हम जेल में रहे। है आप लोगों की आपस में ना ये पुलिस वालों की डॉक्टर्स की निकला की ये बड़े अच्छे दोस्त है आपस में नजर आते हैं हमेशा। वो क्या हुआ हमने कहा चलो आए हुए हैं तो जेल के अंदर का माहौल देखते हैं। मैंने जो जिन लोगों ने कत्ल किया था उस बैरक में हम गए। अच्छा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मैंने उनके इंटरव्यूज किए मैंने कहा आपने क्यों कत्ल किया उन्होंने कहा जी कि उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया था एकदम से। मैं ये आपके चैनल के तवसत से मैं ये कहूँगा कि खुदा रा जब बहुत ज्यादा एकदम गुस्से में ना हो और गुस्से में रिएक्ट ना करे रिएक्ट नहीं करे। वो उसने कहा जी कि मुझे उसने बहन की गाली दी मैंने उसे कत्ल कर दिया। कहता है अब अगला सुने कहता है जी मेरे घर में कोई मर्द मेरे अलावा नहीं था अब मेरी वही बहन जिसकी गाली की वजह से मैंने उसे कत्ल कर दिया अब यहाँ पे वो मुझे मिलने आती है और पता नहीं कितने लोगों की नजरों में वो थी। ओए होए उसने मुझे इतना उसने कहा जी मैं अब इतना पछता रहा हूँ उस वक्त को कि काश मैं उस वक्त ये ना बर्दाश्त कर जाता बर्दाश्त कर देता या वहां से चले जाता। मैं समझता हूँ इस्फाय हसन है
نبی پاک نے فرمایا کہ جب ان کو کئی کئی حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا تھا تو آپ کی پیشانی مبارک اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, تو وہ غصے کو پی جاتے تھے. تو اسے کئی معاشرے میں اگر ہم اس طرح فالو کریں, ویسے کہا جاتا ہے اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے, بیٹھے ہیں تو لے جائیے. آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ وہاں سے موو کر جائیں, کہیں نہ کہیں اگر وہ چہرہ یا وہ شخص آپ کے سامنے رہے گا نا, پھر بھی کوئی ایسی بات کرے گا غصہ. غصہ ایک مرد کی علامت ہے, مجھے بھی آتا ہے غصہ, لیکن جب بہت زیادہ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے غصے پہ, تو سب سے بڑا ہتھیار جو مومن کا درود شریف, درود شریف کا ورد کر لیں آپ تین دفعہ, غصہ آپ نے بڑی اچھی کہی, وہاں سے ہٹ جائیں, موو کر جائے, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, ہم بھی وہ جذباتی ہو جاتے ہیں نا کہیں نہ کہیں, پھر وہ کوئی نہ کوئی بات کرے گا ہمیں برا لگے گا, موو کر جائیے, تھوڑی دیر بعد اس کو آ کے ٹیکل کر لیجئے یا میٹنگ کر کے کسی طرح بھی اس کو وہ کر لیجئے. سر میں زیادہ تر ایسے کرتی ہوں, اس لیے انہوں نے بتایا میں موو کر جاؤں زیادہ بہتر ہے. موو کرنا بھی بہت اچھا ہے, لیکن درود و شریف پڑھ لیا جائے تو بہترین ہے. اگر وہ پڑھنا شروع کرتے تو غصہ تو آئے گا نہیں نا, لگیں گے چیزیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ آپ جو عمل بتا رہے ہیں اگر وہ ہم اسٹارٹ کر دیں, ہماری 99 بلکہ تمام اور جو انگریز لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, بہت آگے چلے گئے, وہ 200 سال ہم سے آگے ہیں. تو وہ تو اصل میں تھریٹیکلی اسلام ہمارے اندر ہے, ہمارے پریکٹیکلی ان کے اندر پریکٹیکلی. میں ایک دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا, میں دیکھیں ان لوگوں کی بات بتاتا ہوں, ہم رات کو گئے, ہمیں ہوٹل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, دور ذرا تھا شہر سے باہر. ہاں جی. اچھا ایک پھر واک کر رہے ہیں, انہیں انگلش نہیں آتی تھی. اچھا جب انہوں نے دیکھا شام کا وقت ہے, یہ پریشان ہے, ٹورسٹ لگتے ہیں, وہ گھر گئے اپنے کسی کام جا رہے تھے میاں بیوی, وہ گھر گئے اپنی بیٹی کو لے کے, انہیں ہمیں نا اشارے سے کہا کہ آپ ادھر ہی رکے, بیٹی کو لے کے آئے جو انگلش جانتی تھی. اچھا اچھا اس سے جب ہم نے کہا ہمیں یہ ہوٹل نہیں مل رہا, وہ اپنا کام چھوڑ کے ہمیں اس رات کے وقت ہوٹل تک چھوڑ کے آئے. کیا بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں وہ اندر سے ہمارے کو ہوتا تو کہتا منو کی ضرورت, تو وہ اس طرح کر کے نکل جاتے. تو مطلب اتنا اخلاق ہے ان لوگوں میں, بہت زیادہ, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, کبھی آپ کو دھوکا نہیں دیں گے, بالکل دھوکا نہیں دیں گے, یہ نہیں کریں. اور یہی ہمارا اسلام, اسلام پھیلا کیوں تھا, اسی وجہ سے پھیلا تھا. جی میں اسی بات کو میں آگے لے کے چلتی ہوں. تو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو, میں تو چونکہ وہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوں, اب تو میں انہی کی بات ہر جگہ کرتی ہوں, کہ ویل چیئرز جانے کی جگہ نہیں ہے, فٹ پاتھ آپ نے ختم کر دی ہیں. میم یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, اب باقی کچھ اسٹورز میں بننا شروع ہوئے, بننا شروع ہے, لیکن ابھی اس طرح نہیں ہے. ویل چیئرز پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ نہیں ہے, ویل چیئرز اب کیسے, اور فٹ پاتھ انہوں نے بنائے ہیں تو وہاں ویل چیئرز نہیں لے کے جا سکتے. اچھا ایک ہمارے پاکستان میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب ہم ایک سہولت دے دیں تو وہ بائک والے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, وہ روڈ سے ہٹ کے فٹ پاتھ پہ چلنا چلا جاتا ہے. اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس میں ہم نے اپنی اویئرنس اور میم جو ہے نا اویئرنس چلانی اور خود کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل. اسی سلسلے میں ہم نے ایک سر راہ اپنا ایک پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیا. اچھا. جو ہم یہ جہاں فٹ پاتھ ہیں وہاں پہ ہم نے ویل چیئرس کی, پیدل چلنے والوں کی جگہ بنانی ہے, کوئی بلڈنگز ہیں وہاں پہ ویل چیئرس کی. دیکھیں بچے ہی نہیں ہوتے اسپیشل ڈسیبل, کوئی بزرگ ہوتا ہے جو بےچارا اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ویل چیئر پہ آ جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں کہیں بسیں اب جو چل رہی ہیں اسپیڈو اگر آپ دیکھیں اس پہ کوئی ویل چیئر نہیں جا سکتا, اندر آپ نے سیٹ رکھی ہوئی ہے ڈسیبل کے لیے, بس کے اندر لکھا ہوا ہے 2 سیٹس کے, لیکن وہ اوپر آئے گا کیسے, بس میں چڑھے گا کیسے, اس کے لیے کوئی. کیونکہ میں ایک سٹور پہ گئی تھی تو کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کافی پروگرامز دیے تو آپ کے مائنڈ میں چیزیں رہ جاتی ہیں نا, تو میں نے دیکھا تو وہ سٹور والوں نے بنایا ہوا تھا نا ان کے لیے, تو مجھے بڑا اچھا لگا, ویری نائس, یہ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا, ورنہ نارمل لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ بنایا کیوں گیا. کیونکہ اب یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اب یہ اس طرح کی چیزیں شروع کی ہیں جی, اور وہ بلڈنگز جو ہیں وہ اس کا نقشہ پاس نہیں ہوگا اگر یہ نہیں ہوگا. جلوان سی جو بنوائی جاتی ہے, آپ بھی کہہ رہے تھے, آپ کچھ کہہ رہے تھے اس بارے میں. جی میں ان کی بات کو آگے لے کے چلوں گا, جیسے کہ انہوں نے بتایا ویل چیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ جیسے کہ عمران خان صاحب تبدیلی آئی ہے, مزید آگے آئے گی,
तो उन्होंने काफी चीजों को चेंज करने का कहा है कि वो यानी कि इंकलाब लेकर आएंगे। गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो उनकी जिम्मेदारी उसमें सेहत, तालीम, तमाम चीजें आती हैं, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली आपकी, मेरी, डॉक्टर साहब की, हमारी जिम्मेदारियां। अब हम बैठ जाए कि गवर्नमेंट या कोई ओहदेदार आएगा हमें ठीक करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर हम रैंप बना रहे हैं फुटपाथ के लिए, तो हमारा काम है ना कि हम उस पर बाइक लेके ना जाए। हाँ, ये हमारा काम है। रेड लाइट का क्या मतलब है कि यहाँ रुक जाओ, रुक जाओ। अब जब दूसरी साइड से आपका इशारा खुल गया और उधर से रेड लाइट वाले मोटरसाइकिल आपके आगे आ जाए, तो फिर इसमें कौन सी गवर्नमेंट आगे उन्हें बताएगी? बाइक वाला आगे जाता होगा, टर्न लेगा, आपको देखेगा, घोरी भी कराएगा, एक गलती चालान होगा, तो आप उसको बुरा मानेंगे। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कौम को देखना हो कि ये कौम कैसी है, उसकी ट्रैफिक देखें, ठीक है। अगर उसकी ट्रैफिक डिसिप्लिन है, इसका मतलब है ये कौम है, वरना ये हजूम है, ये हजूम है, बड़ी बात की आपने। और हम एक दफा जर्मनी गए, आप अंदाजा करें कि इस कदर, मतलब रात के 2-3 बजे हैं, अकेला बंदा वो ट्रैफिक लाइट पे खड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा जी कि उन्होंने कहा जी कि हमारी तो ये, हम तो सोच ही नहीं सकते कि रेड लाइट को क्रॉस करें जी। मैंने कहा जी आए फिर आपको अपने मुल्क में चल करें कि वो कैसे क्रॉस करके जाते हैं, वो ये नहीं चल सकते कि ग्रीन पे खड़ा होना है। ये अमान के एयरपोर्ट से ना हम लोग पाकिस्तानी कुछ बैठे जी, बड़े सही लाइन में, कोई स्मोकिंग नहीं कोई। जिस वक्त लाहौर एयरपोर्ट उतरे, साथ वाले कहते हैं मोहम्मद सैन कट सिगरेट ते अदरा लाइन तोड़ के अगे चलिए, उनते अपने मुल्क च आ गया ना। ये देखे हम फॉलो करते हैं दूसरी कंट्रीज में जाके, दूसरी कंट्रीज में जाके, लेकिन जो चल रहा है वजह ये है ना कि जैसे कि हम आजाद मुमलिकत है, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं, कायदे आदम ने हमें घर दिया है बहुत बड़ा, तो हम जो मर्जी करें। अब ये देखें कि बाहर के मुल्क में एक डिसिप्लिन है कि हॉर्न नहीं बजाना, यहाँ पे हॉर्न पे हॉर्न, ये एक मिसाइल है। और इसमें हमें खुद को ठीक करना होगा, ट्रैफिक कानून भी हमारे पास है, ट्रैफिक वार्डन भी है, सिग्नल्स भी है, फॉलो कौन नहीं करे, हम लोग नहीं करे, तो अब आप आपकी ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, इसका मतलब हमने फॉलो नहीं किया, हम फॉलो करना ही नहीं चाहते। हम सिग्नल पे सर खड़े हो, आप वार्डन को करे, सबसे पहले हम फोन निकाल के कहते हैं जी पहले गल करो, चलान पहले गल करो, तो मतलब मसाइल इतने ज्यादा है, किस किस को ब्लेम करेंगे? आप नजर आ रहे हैं आपने सिग्नल क्यों की है, कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो किससे आप बात करें? मैं यहाँ था ही नहीं, है ही नहीं, उसको पता ही नहीं आपने किया। 100 लोगों के पास गाड़ियां है ना, 99% लोग है ना, 99%, उन्होंने कवानी नहीं पढ़े, ट्रैफिक नहीं पढ़े, एक परसेंट कोई होगा जिन्होंने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े। लाइसेंस लेना सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल काम। यहाँ पे आप ने किसी ने देखा ही नहीं कि आप गाड़ी भी चला सकते हैं कि नहीं, लाइसेंस आपको मिल जाएगा, सबसे आसान है, आसान काम है। अच्छा इमरान से बात करेंगे डाइट के बारे में, आप जिम भी करते हैं आजकल, तो सर जिम भी उन्होंने बंद किया, और मेरा ख्याल अच्छी बात है क्योंकि आप मशीनें वगैरह इकट्ठे यूज कर रहे होते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो घर पे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। नहीं, रिसेंटली 2 दिन ही हुए हैं और मैंने अभी भी एक्सरसाइज नहीं की थी, मैं एक शूट में बिजी था। अच्छा, तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात होती है डाइट की। देखिए हमारी एक्सरसाइज में ये होता है कि 80% डाइट और 20% एक्सरसाइज। अगर आप डाइट नहीं लेंगे अच्छी तो आप बीमार हो जाएंगे। हाँ जी। क्योंकि लोहा है दरी बात, आप जब पिक करते हैं एक्सरसाइज वर्कआउट अच्छा करेंगे तो आपको उसकी डाइट की जरूरत होगी। उसमें डाइट में ये होता है कि सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, फाइबर की जरूरत होती है, जो आपकी मसल मैच्योरिटी को मेंटेन रखती है और आपकी बॉडी को भी मेंटेन रखती है, ठीक हो गया, जिसे आप यानी कि यंग लगते हैं और एनर्जेटिक लगते हैं। अच्छा इमरान, आपने देखा होगा कि अक्सर लड़के जब जिम में आते हैं, बच्चे नए नए आते हैं, वो किसी हीरो की एक तस्वीर निकालते, कहते मुझे इसकी तरह बॉडी बनाई, लेकिन बहुत जल्दी बनानी है, कि टाइम टेकिंग नहीं है इतनी जल्दी, जो लोग बना लेते हैं तो उसके बाद उनको साइड इफेक्ट नहीं होते इतने ज्यादा? ये मैम पता क्या बात होती है, ये है अब आजकल जो दौर है वो नेट का है, ठीक है, हर किसी ने अपनी मोटिवेशनल वीडियोस है वो नेट पे डाली हुई हैं। अच्छा। ठीक है,
जो लड़के कहते हैं जी हमने बहुत जल्द बनना है, वो हमेशा नुकसान में पड़ते हैं। नुकसान में, जैसे कि आजकल फूड सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा आ गए हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस पे कितनी स्टेरॉइड्स चल रही है। डेक्सा एक ऐसी स्टेरॉइड है जो आपकी किडनीज को फेल कर देती है, जिसे वक्ती तौर पर आप यूज करते हैं तो 15-20 दिन में आप अपनी बॉडी को फुला लेते हैं, तो वो किसी टाइम पर जाके आपको नुकसान देती है। फॉर यंगस्टर आप यूज करें, आपको बहुत फायदा मिल रहा है, आपको मजा भी आ रहा है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप पहले क्या थे तो आप क्या है, लेकिन जब आप 40 प्लस उसको क्रॉस करेंगे तो तब आपको उसके साइड इफेक्ट का पता चलेगा। लेकिन आजकल जल्दी आ रहे हैं, यंगस्टर को भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, 40 के लिए तो बड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये लोग मेडिसिन वगैरह बॉडी को शेप अप करने के लिए ले रहे हैं ना, वो आपको फौरन ही साइड इफेक्ट भी नजर आ जाते हैं। कोई भी मेडिसिन फौरी तौर पे जो है ना इफेक्ट करने वाले स्वाय स्टीराइड के। स्टीराइड क्या करते हैं जी? स्टीराइड जब आप लेते हैं, स्टीराइड हमारे अपने अंदर भी बांध रहे होते हैं। अल्लाह ताला का नेचुरल फीडबैक ऐसे है कि अगर आपने बाहर से ले लिए स्टीराइड तो वो एक फीडबैक जाएगा दिमाग को कि अब ब्लड में तादाद काफ़ी है स्टीराइड की, लिहाजा अपने बनाने बंद कर दें। ठीक है, अच्छा आपका अपना सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा जी। अब जब बहुत ज़्यादा अरसे के लिए लेंगे तो आपका ये एक डिसयूज एट्रोफी इसको हम बोलते हैं, मसल आप ये मसल्स को फ्रैक्चर हो गया इसको बांध देना ये 3 महीने ना चले ना तो आपके मसल मतलब श्रिंक कर जाएंगे ऐसे ही है। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे तो ये फिजियोथेरेपी हो रही है तब वो जाके हरकत में आएंगे। हाँ जी। इसी तरह स्टीराइड क्या करते हैं कि एक तो उसे भूख बड़ी लगती है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, आपने जितने देखे होंगे दमे के लोग हैं, वो पहले जमाने में इनहेलर नहीं होता था तो स्टीराइड लेते थे, उनके चेहरे फूल जाते थे, उनके ये मसल्स वगैरह ये फूल जाएंगे जी। अच्छा, वो वक्ती तौर पे इफेक्ट जो है ना उसका आ जाता है। ठीक है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन क्या होगा, स्टीराइड हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, जैसे खतरा हुआ ना एकदम से जी, तो हमारे यहाँ वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उसके डिफेंस के लिए होते हैं, वो शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। हाँ जी। वो आपका मतलब ताकि आपके एनर्जी आए, आप उसको कोप कर सकें। ठीक है ना, तो ये जब आप डिसबैलेंस कर देते हैं ना चीजों को जी, तो फिर आपका वो जो है ना चेहरा फूल जाएगा ये चीजें, और आपका जो अंदर का निजाम है वो खत्म हो जाएगा, अपने नेचुरल जो सिस्टम था। अब सारी उम्र आपको स्टीराइड लेने पड़ेंगे और उसके साइड इफेक्ट आप सारी उम्र भुगतते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सारी उम्र स्टीराइड लें, आपने एक साइकिल करना होता है 3-4 मंथ का। जैसे आपने साइकिल किया आपको उसका रिजल्ट नजर आया, फिर 1 मंथ आपने एंटीडोट इस्तेमाल करना होता है, एंटीडोट आपके स्टीराइड के साइड इफेक्ट को खत्म करती है। फिर 1 मंथ आपने जूसेस फ्रेश पीने होते हैं जो आपके किडनीज को पानी भी आपको बहुत ज्यादा मिकदार में पीना होता है, जो आपके किडनीज को वॉश करते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ज्यादा आपके पड़ता है किडनीज पे। ठीक है, किडनी फेल होगी तो समझें कि आप एक्सपायर है। ठीक है, तो ज्यादा इसका किडनीज पे इफेक्ट होता है, तो इसके लिए आपको तो बिलाल उससे अच्छा नहीं है कि आप अच्छी डाइट लें, प्रॉपर जिम करें, वॉक करें और थोड़ा सा टाइम देके अपनी बॉडी को शेप अप जैसा आप चाह रहे ये वो कर ले, जो आपने इतना पहले वो खाना है फिर वो खाना है, वो इन चक्रों में पड़ना है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप बॉडी ऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने कंपटीशन करना होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ये वो लोग है जिन्होंने। नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं करी, मैं नॉर्मल लड़कों की बात करी जो हमारे कॉलेज गोइंग है या जो ऑफिस में जाते हैं, आप देखें उन्होंने कंपटीशन में नहीं जाना, उसके बावजूद वो ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 100 लोग जिम करें, क्या 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस कंपटीशन में? 3 लोग करेंगे हार्डली, उनमें से जो उस एज में होंगे अंडर 18 या जो भी आपका एक कंपटीशन में एक एज का होता है, लेकिन सर 100 लोग ही जो जो आपने बात पहले की ना कि उन्होंने एक आइडियल बनाया होता है किसी भी फिल्म एक्टर को कि उसके ये मसल जो जी ये इस तरह के हैं, तो मैंने भी थोड़े अरसे में मैंने भी आपने इसी तरह बनना है। अच्छा, वो हीरो जो कि उसमें जब फिल्मों में आता है तो वो समझते हैं कि इस तरह मैं बनूंगा तो मैं भी एक हीरो बन जाऊंगा। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड नुकसानदेह है। ठीक है ना, आप अगर अच्छी डाइट लेते हो ना और आप एक्सरसाइज करते, जिस मसल की एक्सरसाइज करेंगे वो मसल आपका बनेगा, शेप में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये है कि आप ये जो एडिशनल चीजें है ना, सो कॉल्ड सप्लीमेंट्स, इसकी बजाय आप मतलब प्रोटीन है, बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, आप वो लें। आप वो गोश्त की किस्म में आपके सामने अच्छी प्रोटीन है, ए क्लास प्रोटीन होती है मीट में,
वो आप लें, उसके साथ दूध है, आप अंडे हैं, सारा फ्रूट जैसे इमरान जिक्र कर रहे हैं कि कंपटीशन में चले वो उनका एक क्राइटेरिया है, वो आप बेहतर समझ सकते हैं जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ना तो वो फिल्म्स में आ रहे हैं ना, वो तो अपने आप के साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं आप लोग ना। पहले ना एक जिम में ट्रेनर था, तो मेरे पास फिटनेस के लड़के आते थे, तो वो कहते थे सर हमें ऐसी प्रोटीन बताएं जो फूड सप्लीमेंट में हो जो हम डाइट ना ले सकें, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना बर्गर फैमिली के लड़के, जो सुबह नाश्ता किया तो नहीं किया, रात का खाना तो नहीं खाया। तो मैंने कहा बेटा पहले तो सबसे पहले आप 6 से 7 रुपए का डब्बा तो ले आएंगे सप्लीमेंट का, लेकिन उसके साथ आपको फिर भी डाइट सही रखनी पड़ेगी, सही रखनी पड़ेगी। उसका यानी कि बेहतर नतीजा यही है कि आप डाइट ही अच्छी रख लें, आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा इमरान, आपने जैसे जिक्र किया कि बर्गर बच्चे, बॉडी बिल्डिंग जो है ना वैसे भी बड़ा एक्सपेंसिव है, अगर आप फूड भी लेंगे तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको ये वाला ना, तो लोग इससे अवॉइड करने के लिए भी वो लोग 6-7 हज़ार वाला जो डिब्बा मिल जाता है ना वो खाना शुरू कर, लेकिन उससे आपकी बॉडी खराब हो जाती है क्योंकि वो आर्टिफिशियल प्रोटीन। ये तमाम इंस्ट्रक्टर को बताना चाहिए ना जिम वालों को, ये मेरे कहने से या डॉक्टर साहब के कहने से तो नहीं आएंगे ना, ये आप लोग बताएंगे जो जिम में इंस्ट्रक्शन देते हैं, खुद देते हैं, खुद तो वो बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं कि ये ले आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप अगर 20 साल पहले चले जाए ना तो दो बॉडी बिल्डर थे जो वो उन्होंने सप्लीमेंट्स यूज नहीं किए थे, उन्होंने या तो डाइट इस्तेमाल की थी या तो स्टेरॉइड इस्तेमाल की थी, ठीक है, लेकिन वो भी किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंपटीशन किया, एक टाइटल मिला और उनको जॉब मिल गई, ठीक है। उधर से फिर ट्रेंड स्टार्ट होता गया, पाकिस्तान में क्रेज बढ़ता गया लड़कियों लड़कों में, इवन के लड़कियां भी बना रही हैं बॉडी, लेकिन आजकल लड़कियां ज्यादा फिटनेस मॉडल है और बॉयज को ये होता है कि सिक्स एब्स हो, अच्छा फिगर हो, पहना पुना अच्छा लगे, हमारे कट्स वगैरह नजर आए बॉडी पे, तो उसके लिए अपनी अपनी जिंदगी को दाव थोड़ी दाव लगाएंगे लगाएंगे ना आप उसके लिए अच्छी डाइट लेंगे जैसे सर जिक्र करें, या जैसे आपने बताया है कि वॉक कीजिए, देसी खाना खाइए, देसी घी खाइए, डाइट है अगर आपको बहुत ज्यादा वो करनी है जी, सबसे अच्छी डाइट आपकी सब्जियां है, वेजिटेबल्स। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, मैं मीट को लाइक नहीं करता। जबरदस्त, मतलब ऐसे कोरोना की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, मैं शुरू से नहीं करता, अगर मैंने यूज भी करना है ना तो फिश बस, और चिकन भी नहीं, क्योंकि सर आप बता रहे थे ना कि लोगों ने वो मीट भी खाना खत्म कर दिया है, कोई है ही नहीं इसका ना उसके साथ, तो जो आपकी इम्यूनिटी है ना वो ये प्रोटीन्स वगैरह आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं, लिहाजा अगर आप ये खाना छोड़ देंगे तो आप तो बल्कि उल्ट जा रहे हैं, आप तो अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा लो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितने आपके एंजाइम्स हैं ना, जितने आपके हार्मोन्स हैं वो सारे ही प्रोटीन बेस्ड हैं, उनमें प्रोटीन होगी तो वो बनेगी, ठीक है ना, इसलिए ये इस प्रोटीन को छोड़ना जो है ना ये बिल्कुल गलत बात, ये गलत बात है, और इसके लिए डाइट अच्छी रखिए, वॉक कीजिए, हैंड ज्यादा से ज्यादा वॉश कीजिए, आपने बताया है मास्क वो लोग पहने जो जिन्हें फ्लू, नॉर्मल फ्लू भी है वो भी पहन लीजिए, क्योंकि उससे भी जर्म्स जा रहे होते। सर हमारे यहाँ ना फ्लू को ना सबसे कमतर बीमारी समझते हैं, फ्लू हो गया कोई गल नहीं ठीक हो जाएगा, जबकि फ्लू की वजह से जर्म्स लग रहे होते हैं दूसरों में, ये मुंतकिल हो रही होती है फ्लू, ये बीमारी बल्कि ये कहा गया है कि ये तो अब कोरोना आया ना, जितने शुगर के मरीज हैं, जितने जिनको अस्थमा है, दमे के मरीज, उनको फ्लू की वैक्सीन होती है जो हर साल लगती है, उन्हें वो लगवा लेनी चाहिए, अक्टूबर में ही लगवा लेनी चाहिए, सर जिनको हो उनको लगवानी चाहिए, नॉर्मल लोग भी लगवा सकते हैं, नॉर्मल लोग भी लगवा सकते हैं अगर बचा, लेकिन उनमें रेजिस्टेंस, उनमें तो रेजिस्टेंस काफी होती है ना, वो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग जो है ना इन्हें अगर खुदा ना सा फ्लू से आगे फिर वो निमोनिया भी हो सकता है, इवन मेनिनजाइटिस तक जो गर्दन तौर बुखार है वहां तक भी जा सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अक्टूबर में ही ये फांसी टीका एक मिलता है 1 साल के लिए, वो 500-600 रुपए का इंजेक्शन है, आप वो लगा लेंगे तो आप इससे आपके स्टार्ट हो चुके हैं, काम करना शुरू कर दिया जी, बिल्कुल हम इस अरेरा पे आजकल काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है प्रोजेक्ट मशले नूर वो स्टार्ट हुआ है, उसमें बच्चे अपना वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, मछली शिफा जो है हमारा वो तो चलता रहता है, तो हम कैंप्स वगैरह जाके जहाँ हम जरूरत होती है, अब तो हम लोग हमें बुलाना शुरू हो गए हैं कि हेयरिंग इज केयरिंग का जब हमने करना शुरू किया तो अब लोगों का अवेयरनेस आई, तो उनको जी आप आए हमारे इलाके में आके करें जी, तो वो हम हफ्ते में 1-2 कैंप भी कर रहे हैं साथ साथ, और ये सरेरा का जो प्रोजेक्ट है ये हमारा जरा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये अभी अवेयरनेस लोगों को देनी है, इस पर काम शुरू करना है,
तो अब आजकल हम इस पे लगे, अभी तो हम पेपर वर्क वगैरह कर रहे हैं इसको कि कहाँ देख रहे हैं जाके कहाँ पे नहीं है वहाँ पे हमारा। हमने कहा थोड़े से पैसों से हम खुद बना लें, आप बना लें, कोई शॉप है अगर जी, तो आपके पास अगर नहीं है किसी के आने की जगह तो वो कैसे आएगा, तो आप खुद उसको कर लें। तो मैं आपको एक चीज जी, आप प्लीज दो चीजों पे काम करें, शुगर और ब्लड प्रेशर। आप कोई बंदा था इवन कोई किसी को कोई नर्स है या कोई इवन पैरामेडिक्स है जो कि बीपी और आम बंदे भी जो मेडिकल जब हमारे मेडिकल कैंप्स होते हैं ना जी, जब हम मेडिकल कैंप कर रहे होते हैं तो ये दो चीजें तो हमारे मस्ट होती है, मस्ट होती है, ये बड़ा जरूरी है। स्क्रीनिंग भी हो जाएगी उससे, वो लोग जो कि जिनको पता ही नहीं है, बेशुमार लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर 200 पे, शुगर 400 पे, उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है ना, वो अगर आप स्क्रीन कर लें तो जब भी हम हमारा मेडिकल कैंप हो तो ये दो चीजें तो मास्टर होती हैं, क्योंकि ये बड़े फ्री होता है और सारे आते हैं फिर वहाँ से। एक मिनट, जो सबसे लोगों के अंदर ये चीज भी जो अभी आपने बात की थी कि अपने ऊपर बीमारी पे खर्च नहीं करेंगे, जबकि आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप आगे कुछ कर सकेंगे। हाँ। तो उसमें अभी जब हमने लास्ट मैंने हेयरिंग का अपना जो कैंप लगाया था उसमें एक बच्चा था कोई 16-17 साल का जी, वो आया तो कहता है ये कान से ना मेरा मुझे नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, तो ये कब से हुआ है? 2 माह हो गए। कैसे हुआ था? बॉल लगी थी। तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर के पास गए? यानी अगर उसको वो सहूलत उस दिन फ्री की ना मिलती तो शायद वो जाते ही ना, वो वहां पे इग्नोर कर देता इसको। तो वो फिर हमें इसका अंदाजा हुआ कि कितनी अहमियत है कि इन जगहों पे जाके हम जरूर ये कैंप्स वगैरह करें ताकि लोग कम से कम चले फ्री के लिए आके चेक तो कराएं। बिल्कुल, तो पता चलेगी इनके अंदर क्या चीजें हैं। जी सर, मैम जिसे जिक्र कर रही है शुगर का, आपने देखा होगा हमारे बच्चों में भी बहुत ज्यादा, पहले एक एज होती थी ना, इस एज में जाके आपको बीपी हाई लो होता है ये एक फिक्स कर दी गई थी एज, अब आप देखते हैं 15 साल में इससे भी कम बच्चों में भी शुगर भी होना शुरू हो गया। दो टाइप्स हैं, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2 जी। जो टाइप 1 है ना वो होती बच्चों में है। अच्छा। और उनमें इंसुलिन अपनी नहीं बन रही होती और उन्हें फिर सारी जिंदगी इंसुलिन पे रहना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे हर एक बंदे के यहाँ इंसुलिन बन रही है और इंसुलिन बनेगी तो काम करेगा। मैं एक आपको मिसाल दूंगा, मेरा एक पेशेंट था, उसे शुगर बहुत ज्यादा रहती थी। मैं हमेशा ही उसे कहना कि खुदा के लिए, यंग बंदा, मैंने कहा अपनी शुगर कंट्रोल करें और ठीक है डॉक्टर साहब कर लेंगे। अच्छा, ये इस तरह कर करके ना अब पिछले कुछ अरसे आया तो डायलिसिस पे था। ओहो हो, आप अंदाज़ा करें छोटे छोटे बच्चे, और वो हफ्ते में 3 दफ़ा उसको या 2 दफ़ा लेके जाना पड़ता है डायलिसिस। वो एक किस्म का एक लाइबिलिटी बन गया पूरी फैमिली के ऊपर। एक तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहा, खुद काम नहीं कर सकता। तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार ये बंदा अगर अपनी शुगर से कंट्रोल रखता ना तो इसने इस लेवल पे नहीं पहुंचा। पर सर डायलिसिस जो एक पेशेंट उसमें नहीं होता, पूरी फैमिली आपकी इन्वॉल्व होती है कि आपको लेके जाना है वीक में 2 बार, एक इतना लंबा प्रोसीजर है, फिर आप ठीक भी नहीं रहते, प्रोडक्टिव भी नहीं रहते। कोई ना उसे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ना मसला हुआ रहता है शुगर कंट्रोल ना करने की वजह से डायलिसिस। देखिए सर कैसे लिंक कर रही है आपकी बीमारी। बहुत सारी चीजें आपके अंदर की बॉडी को डैमेज कर देती हैं, बहुत सारी चीजों को डैमेज कर देती हैं अंदर। दूसरी, आप इसकी एक एहतियात कर लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसा ही है वसीम अकरम जी, इसे बड़ी देर से शुगर है लेकिन उसने बड़ा आइडियल कंट्रोल रखा हुआ है और उसके साथ अपनी डाइट भी और अपनी एक्सरसाइज भी, ठीक है ना, उससे जितने नॉर्मल है उनसे भी बेहतर उसकी हेल्थ है। तो मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि आप अगर चीजों को कंट्रोल रखोगे ना तो आप बड़ी अच्छी लाइफ गुजार सकोगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान, आपकी फिल्म्स के बारे में बात करेंगे, नई फिल्म्स आ रही हैं आपकी, आप कोई नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके बारे में बताएंगे आप हमें? जी, मेरी एक नई मूवी आ रही है, द मेन विलन धरती के गद्दार। अच्छा। उससे पहले अभी ऑन एयर एक मूवी होनी है, शॉर्ट मूवी तमिल से ताबीर तक, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छा एक बात धरती के जो गद्दार है, जो आपने फिल्म जो आपकी स्टार्ट हो रही है उसमें कौन कौन है, हीरो कौन है, मेन करेक्टर किसका है, किस तरह की ये फिल्म बनाई जा रही है? ये इसमें जो हीरो है वो सिकंदर लाला साहब है जी। मेन विलन पे जो आ रहे हैं, मैं सेकंड विलन पे हूँ। मेन विलन पे है शबकत चीमा साहब जी, मैं सेकंड विलन पे हूँ। अच्छा। हाँ जी, ये एक दास्तान है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के, पाकिस्तान के फौजी इंडियन आर्मी के पास जाते हैं, वहाँ से आग मचोड़ी शुरू हो जाती है, ठीक हो गया, ये चीज है उससे रिलेटेड।
एज अ विलन काम करके कैसा लग रहा है? नॉर्मल लाइफ में आप इतने चेंज हैं, सेट पे जाके विलन का करेक्टर करना, इतना नेगेटिव होना थोड़ा डिफरेंट नहीं होता? या तो आप रियल लाइफ में भी इतने नेगेटिव होना तो मतलब चल जाता है कि ठीक है, ये मेरा अपना घर का ही करेक्टर है, लेकिन वहां जाके एक पॉजिटिव इंसान जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है उसके लिए डिफरेंट करना बड़ा मुश्किल काम नहीं? देखिए, जो विलन का करेक्टर है, देखिए करेक्टर कोई भी है छोटा नहीं होता, अच्छा करेक्टर होता है, और मेन विलन का, और सबसे बड़ी बात है कि मेन विलन की जो ग्रूमिंग है वो हीरो से ज़्यादा अच्छी है, कि शुरू में मेन विलन का ही टॉप होता है कि वो उसके कारनामे क्या होते हैं, उसकी फाइट क्या है, उसकी डिलीवरी क्या है। हीरो तो बेचारा पूरी फिल्म में ही जुल्म सहता रहता है, लेकिन एंड पे जाके हीरो की ही जीत हो जाती है। लेकिन अगर विलन ना हो तो आपकी फिल्म ही नहीं है। नहीं है, आपके हीरो जीरो हो जाते हैं अगर विलन ही नहीं, तो पता ही नहीं है कि हीरो कौन है। ऐसी है, ऐसी है। तो कैसा लग रहा है ये करेक्टर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक नई चीज सीखने को मिल रही है। हाँ, एकदम मैंने एक क्राइम में विलन का काम किया था, लेकिन दैट्स मच कंपेयर different to the film criteria as well. अच्छा। हाँ जी, क्योंकि क्राइम्स में आप हकीकत को बयान कर रहे होते हैं। हाँ। और फिल्म में तो आप डेफिनेटली इसी बात है कि वो मार धार, वो मीन larger than life है आपके। हाँ जी, normal life। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ और बहुत दुआगो हूँ कि आपके साथ सीनियर एक्टर और ऊपर से माशाल्लाह से मंझे हुए विलन फिल्म्स के नॉर्मल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान है वो, तो उनके साथ काम करके थोड़ा डर नहीं लगा कि मेरे इतने सीनियर हैं, मैं ठीक से डिलीवर कर पाऊंगा अपना डायलॉग या नहीं, अच्छे से काम कर पाऊंगा? मैं बहुत ज़्यादा यानी कि एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे डे बाय डे एक नया चांस मिल रहा है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का। तो कमी है मुझ में, तो उस कमी को मैं दूर करूंगा किसी ना किसी स्टेज पर जाकर। और तो मैं इतना बड़ा एक्साइटेड हूं कि सबसे बड़ी बात ये कि शबके चीमा साहब के साथ काम करने को मिल रहा है, तो मिल रहा है। और ज्यादा मैं यानी कि अपने आप को इनहांस कर पाऊंगा अपनी स्किल्स में। जबरदस्त। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी प्रोग्राम के एंड पे? तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि मेरा चूंकि एक सोशल वर्क है जी, तो उसकी उसी के लिए कि लोगों के लिए जो गुर्बत है, जो ये चीजें हैं, उन उस तरफ ध्यान दें। आप, मैं ये कहती हूँ कि एक वक्त का खाना होटल में जाके ना खाएं। क्या? वो जो आप हजारों का बिल वहाँ जाके देते हैं वो ना दें, उससे किसी गरीब अपने इर्द गिर्द, मैं ये नहीं कहती हमारे पास आए हमें दें, मैं कहती हूँ अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख लें। बिल्कुल, जहाँ कोई जरूरतमंद है उसकी वो जरूरत पूरी कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चूँकि हेल्थ के बारे में यही कहूँगा कि लोगों को, आप हेल्दी हैं तो आपकी दुनिया है, आप काम कर सकते हैं सारा कुछ जी। तो अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, और महीने में या महीने में नहीं साल में एक बार अपने एक दो टेस्ट जरूर करवा लें। और कोरोना के हिसाब से जो कि आज का प्रोग्राम उस पर था, दोबारा आपको रिमाइंड कराते हैं आपने क्या करना है। जो मरीज है उससे डिस्टेंस पे रहना है, कम से कम 3 फुट का डिस्टेंस हो, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, और बार बार हाथ धोने हैं साबुन के साथ। हाथ धोने का तरीका मैं ये बता दूँ कि पहले ये हथेलियों को धोएं, ठीक है, उसके बाद ये उंगलियों के दरमियान, उसके बाद ये अंगूठे को, और उसके बाद ये जो पुश्त है इसको, ठीक है, और यहाँ तक धोएं ताकि आपके अच्छी तरह इस तरह से हाथ धोएं, और 20 सेकंड के लिए आप धोएं 20 सेकंड, ठीक है जी। और दूसरा यह है कि छींके, आपको छींक जब मरीज को आए तो मरीज को मास्क पहनना चाहिए, आपको आए तो आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कोहनी के अंदर जो है ना खांसी भी कोहनी के अंदर करें, और छींक भी आए तो कोहनी में, आपके यहाँ पे जरासीम लगेगी, आपका हाथ फिर भी बचे जाएंगे, आप किसी चीज के ऊपर लगाएंगे तो उसको नहीं लगेगा। टिश्यू पेपर यूज करके, टिश्यू पेपर यूज करके उसको प्रॉपरली वेस्ट करें। जो तरीका बताया यही बताया कि आप ये जरासीम जो है ना कपड़े के ऊपर जल्दी मर जाता है, आपके हाथ से और से तो फैलता है, कपड़े में मर जाता है, ठीक हो गया। सर, जो डरे हुए लोग उनके लिए क्या? अच्छा, हाँ, उनके लिए ये है कि ये कतन इससे बेशुमार बीमारियां, इससे टाइफाइड इवन इससे ज्यादा लीथल है, वो लिहाजा उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। 2% से कम लोगों में ये खतरा है, वो भी ज्यादा एज वाले या जिनमें कोई दूसरे प्रॉब्लम्स है, इसलिए 98% क्योर हो जाते हैं। और सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप अपनी वीडियोस बनाइए कोरोना वायरस से रिलेटेड एहतियाती तदाबीर जो है उनके बारे में, ताकि ये जो फेक न्यूज़ है, ये जो फेक बताया जा रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उनसे लोग बच सके, और जो जितने भी डॉक्टर हजरात है जिनके पास ये रिसर्च है जो इसको ट्रीट कर रहे हैं, वो अपनी छोटी छोटी वीडियोज बना के भी सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा। लास्ट बात यह है कि 1166, हाँ, 1166, वो उसके ऊपर आप कोई भी क्वेरी आपको हो, हाँ, आप पूछ सकते हैं, आप हेल्प लेना चाहें इस कोरोना के बारे में तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, मैम आपका बहुत शुक्रिया, इमरान आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक जो आपकी नई फिल्म्स आ रही है, जिस पे आप काम करें नए प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।